आज का सत्संग स्टार्ट करने के लिए आई रिक्वेस्ट जगतार अंकल प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जो नवी संगत है गुरु जी के नाल जुड़ी हुई उन्होंने वास्ते स्पेशल थोड़ा सा मैं ब्रीफ पहला गुरु जी बारे दस देवा कि गुरु जी का जन्म 7 जुलाई 1952 विलेज दुगरी तहसील मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब दे विच माता सुरजीत कौर ते पिता श्री मस्त राम जी दे घर विच होया। ते बचपन विच गुरु जी ने अपना स्टार्ट स्कूलिंग प्रायमरी स्कूल सीगा पिंड दे विच उत्थे शुरू किया ते मैट्रिक एक लागले पिंड विच गवर्नमेंट सरकारी स्कूल जिहड़ा पुरथला पिंड दे विच है उत्थों गुरु जी ने मैट्रिक कीती ते गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटले तों ग्रैजुएशन करके गुरु जी ने अपनी पोस्ट ग्रैजुएशन इकनॉमिक्स दे विच पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तों कीती। जिदा कि शुरू तो ही गुरु जी बहुत शांत सुभा अते एक अलग पहचान वाले इंसान सन। उन्होंने हमेशा ही मुस्कुराउंदा चेहरा अते लोगों दे नाल मिलवर्तन दे विच हर सहयोग करन दा उन्हां दा सुभा शुरू तो ही स्टार्टिंग तो बचपन तो चलता रहा। तो पोस्ट ग्रैजुएशन तो बाद गुरु जी ने काफ़ी देर एक अलोप जगह बैठ के भगती भी की। उस तो बाद जो वापस आए गुरु जी तो उन्होंने संगत वाला जो सिस्टम सीगा ये जलंधर तो स्टार्ट किया। जलंधर गुरु जी ने थोड़े लोगों के नाल संगत करनी शुरू की। उस वेले गुरु जी ने जिहड़ा प्रसाद सीगा वो जल प्रसाद सी। गुरु जी एक माला पहनया करते सी अपने गल दे विच वो माला डबो के गलास दे विच जदों दिंदे सीगे वो प्रसाद जल प्रसाद का एक टेस्ट ही पानी का वखरा हो जांदा सीगा। जिन्होंने टेस्ट किया जिन्हां नूं सुभाग्या प्राप्त होया कि उस टाइम गुरु जी नाल संगत अटेंड की होवे वो खुद इस चीज़ को जानते हैं कि जदों भी गुरु जी ने प्रसाद लाइन दे विच लगना सारा ने जल प्रसाद मिलना सब नूं ते वो जदों भी गुरु जी ने वो माला अपने गले विच डुबो के देना तो खुद विच एक सुगंधी और एक टेस्ट उहदा जल प्रसाद का वखरा हो जाता है जिहड़ा कि दूसरा असी नाल तो पानी पीने जां कितों भी आपां कूलर दे विच पानी पी रहे किसी तरह का भी पानी पीने उहदे विच वो टेस्ट नहीं हुंदा सीगा। ते हौली हौली संगत वधदी गई ते जिहड़ा पानी की जगह जल प्रसाद की जगह चाह प्रसाद दे विच वी कन्वर्ट हो गया सीगा ते सब नूं संगत नूं चाह प्रसाद पहला मिलनी ते उस तो बाद लंगर की प्रथा भी चालू हो गई लंगर मिलना भी शुरू हो गया। जलंधर दे विच गुरु जी जो रहे तो उत्थे बहुत वड्डी संगत नहीं सी क्योंकि जगह जिहड़ी सी मंदिर है जलंधर वाला और छोटी जगह दे विच बनया होया तो उत्थे मैनेजमेंट उदां दी सी गुरु जी ने उन्ने लोगों नूं बिठाउंदे सीगे जिहड़े बैठ सकन आराम दे नाल ते लंगर सारा नूं भी नहीं उस टाइम दित्ता जांदा सीगा ते अपने दर्शन किए मत्था टेकया गुरु जी दे उस तो बाद अपने अपने छुट्टी कर दिंदे सी भी छुट्टी है तुसीं जा सकदे हो ते कुछ लोग जिहड़े बैठदे सीगे उहदा लंगर प्रसाद भी हुंदा सीगा। ते इदां ही चंडीगढ़ दे विच भी गुरु जी रहे चंडीगढ़ दे विच भी उही संगत दा सेम सरूप वो गुरु जी बैठना ते कीर्तन वाले जिहड़े शब्द कीर्तन है वह चलता रहिंदा सी लगातार। शब्द कीर्तन दे विच भी जिहड़े गुरु जी ने सिलैक्ट किए हुए ने शब्द वो एक तरतीब दे विच चलदे सीगे जिहड़े कि अज भी असीं बड़े मंदिर तों संगत हुंदी है और विच असीं देखदे हां उस तरतीब दे विच जिहड़े गुरु जी ने सिलैक्ट किए शब्द ने वह अज भी असीं उसे तरह ही सुनदे हां। तो वह शब्दां दे विच बेशक गुरबाणी दे ने सारे शब्द ते गुरबाणी दे विच हर एक शब्द की बहुत ही जिन्ना असीं कह दईए उन्नी डूंघाई है समुद्र नालों भी ज़्यादा गहरे ने पर उन्हां विचों सिलैक्शन गुरु जी ने की ताकि आम जिहड़े असीं बैठे हाँ लोग उन्हां नूं समझ विच भी आ जाए ते उहदा असीं आनंद भी माण पाईए क्योंकि गुरबाणी दे विच बहुत शब्द बड़े कठिन ने अलग अलग भाषावां दे ने संस्कृत दे ने अरबी दे ने फारसी दे ने पंजाबी दे ने हर तरह की लैंग्वेज गुरबाणी विच यूज़ की गई है जिहड़े कि आम असीं इंसान सारियां लैंग्वेज तो वाकफ नहीं हुंदे ते सानूं समझ नहीं आउंदी उहदे विच इस करके गुरु जी ने सिलैक्शन दे नाल कई शब्द सिलेक्ट करके भी आ शब्द चलणगे जदों स्टार्ट करनी संगत उस शब्द चलते रहिंदे लगातार डेढ़ घंटे का घट्टो घट
मिनीम 1.5 घंटे 2 घंटे का सीगा संगत जो स्टार्ट होनी तो वो कीर्तन की धुनी के सारे कीर्तन के चलने तो वो हर एक ने आनंद के बैठना 1.5-2 घंटे तो लैके बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस जलंधर सी। तो उस तरह ही गुरु जी ने जो जलंधर तो शिफ्ट करके दिल्ली गए, पहला 95 के गुरु जी दिल्ली गए, उदो ग्रेटर क्लास के बेसमेंट के गुरु जी थोड़े दिन उत्थे रहे, उस तो बाद फिर वापस आ गए जलंधर। तो 97 के गुरु जी रैगुलरली अगस्त 97 के गुरु जी ने दिल्ली शिफ्ट किया। तो उस तो बाद बड़े मंदिर का भी बिल्डिंग का उसारी का काम शुरू होया, तो बड़ा मंदिर भी बन के तैयार हो गया। गुरु जी संगत एम्पायर स्टेट जिहड़ा कि छोटा मंदिर है उत्थे ही गुरु जी बैठते सीगे, वो एम्पायर स्टेट के गुरु जी की संगत चलती रहती सी। तो जिहड़े मेन फंक्शन सीगे बड़े जो बड़ा मंदिर तैयार होए उस तो बड़े मंदिर मेन फंक्शन जिहड़े 4-5 जिहड़े हुण भी चलते हैं, गुरु जी का बर्थडे है, नवें साल का है, गुरु पूर्णिमा का है, तो दिवाली का है, शिवरात्रि का है, ये सारे जिहड़े मेन फंक्शन ने वो उस वेले गुरु जी बड़े मंदिर दे विच करदे सीगे। वो एरिया जिसने जिन्हां संगत ने विजिट किया होगा उस टाइम पहले 97-98 दे विच, तो वो बिल्कुल ही एक तरह का उजाड़ एरिया सी, तो उत्थों डर लगता सी जाके भी रात नूं कोई तुहानूं तुहाडा घेर ना लवे, तुहाडी गड्डी ना लुट लवे, इदां दा उह एरिया सीगा जिहड़ा कि अज उत्थे इन्ना ज्यादा भीड़ भड़के वाला एरिया कि उत्थों निकलना मुश्किल हो जाता। वो लाइन पूरी जिहड़ा कि छतरपुर टैंपल रोड है वो इन्नी यानी कि भीड़ वाला इलाका बन गया, तो उत्थे गुरु जी की संगत सारे ही गड्डिया पार्किंग की बहुत वड्डी प्रॉब्लम हो जाती है। जो तो बड़े मंदिर दे नाल ते गुरु जी ने काफ़ी कहा भी तुसी इधरों नेड़े आस पास के होर भी एक दो जिहड़े हैगे प्लाट वो अपने जरूर परचेज करो, क्योंकि आने वाले समय के इत्थे गड्डिया खड़न वास्ते जगह नहीं मिलनी हैगी, गड्डिया की बहुत वड्डी आऊगी, इत्थे इन्ना वड्डा कट होना। उस टाइम सानू नहीं लग रहा सीगा कि असी वो भी गुरु जी की कह रहे हैं ना, भी क्योंकि बहुत जगह खाली पी थी, सारा ही पूरा ही एक तरह का वो खाली वाला एरिया सीगा, इतने कदे प्रॉब्लम नहीं आ सकती। पर अज जदों बड़ा फंक्शन होंदा उस वाले जाके देखीदा कि कितने 10 किलोमीटर तो स्टार्ट हो जाए पार्किंग, 10 किलोमीटर तो ही गड्डिया शुरू हो जाए खड़निया। तो गुरु जी ने अपना गुरु जी का आश्रम के नाते ट्रस्ट क्रिएट किया, जिसे कि गुरु जी ट्रस्टी सीगे, तो गुरु जी की माता जी माता सुरजीत कौर भी उस ट्रस्टी सीगे। माता जी के बाद तो पिता जी ने भी गुरु जी ने फिर ट्रस्ट का मैंबर बनाया, गुरु जी की समाधि तो थोड़े दिन पहला की गल है, गुरु जी ने पिता जी ने भी ट्रस्टी बनाया। तो उस तो बाद गुरु जी की समाधि तो बाद गौरव नवदीप गौरव जो कि गुरु जी के नेफ्यू हैं उन्होंने ट्रस्टी बनाया गया, तो अजकल वो मैनेजिंग ट्रस्टी ट्रस्ट का कम सारा बहुत बड़े लैवल से संभाल रहे हैं, जो कि जो संगत ने अटेंड किया बड़े फंक्शन, जिसे 4-5 लाख लोग उस बड़े फंक्शन के पहुँचते हैं, इन्ना ही डिसिप्लिन होंगे, इन्ने ही सिस्टमैटिक ढंग के नाल सेवादारा के इन्ना जज्बा तो जोश हों कि हर एक चीज़ में बहुत ही बड़े प्यार से सत्कार के नाल संगत का ध्यान रखा जाता, ताकि किसी को असुविधा ना हो। गड्डिया की पार्किंग तो लैके गड्डिया के पार्किंग ड्राइवर तो लैके जो भी संगत गुरु जी के दरबार च पहुंची है हर एक इंसान का ध्यान रख के उत्थे चाह पानी खाना हर एक उत्थे पहुंचाया जाता उन्होंने। उतो बाद शटल भी उतो सेवा दे विच लगी रही है, जिहड़ी कि उतो पार्किंग तो लैके मंदिर तक लोगों को स्पैशली जिहड़े कि सीनियर सिटीजन ने लेडीज ने ओल्ड हैं बच्चे हैं उन्होंने उतो लिया जाता, तो उस तो बाद उन्होंने वापस भी उत्थे छड्या जाता। तो बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग के नाल तकरीबन 24 घंटे जो मंदिर बड़े फंक्शन खुलते हैं बड़े मंदिर के तो शुरू हो जाती है 10 बजे तो ही स्टार्ट होके, तो सुबह असं देखते हैं कई बार उत्थे रात को रुक के दूसरे दिन सवेरे तक संगत हले लाइन के लगी होंगी है वो करने वास्ते, जो कि गुरु जी क्या करते थे भी इतने संगत नहीं होनी है इकट्ठी हो जूगी कि तुहानू खड़न वास्ते तुहानू पार्किंग वास्ते जगह नहीं मिलनी हैगी। अज गुरु जी के शब्द देख के सुन के तो लगता है वाकई असं उस टाइम अणजाण जा अनभोल से सानू समझ नहीं आ रही थी गुरु जी की कह रहे हैं किदां दी उत्थे संगत जुड़ रही है। तो नाल वाले 2-3 प्लॉट होर भी नाल ला के जोड़ा घर भी बनाया गया बहुत अच्छा, तो बाथरूम्स ने होर सारे जाने के संगत सुविधा वास्ते गुरु जी का आश्रम ट्रस्ट बहुत बड़ा काम कर रहा है। इस वेले गुरु जी दे गुरु जी पब्लिक स्कूल बिल्कुल अपोजिट रोड दे खुले आज दे 600-700 बच्चा पढ़ रहे हैं इस वेले, क्योंकि गरीब बच्चे जो फीस नहीं भी दे सकते उन्हां दा बहुत स्पैशल ध्यान रख के वो उन्होंने विद्या उतो दी जा रही है। दुगरी पिंड दे विच बहुत बड़ा
हॉस्पिटल खोलिया गया माता सुरजीत कौर मेमोरियल हॉस्पिटल जिथे कि स्पैशलिस्ट डॉक्टर रखे गए हैं वो एरिए दे विच जे असीं देखिए तो जिहड़े वड्डे हॉस्पिटल बने ने फाइव स्टार हॉस्पिटल बने हुए हैं उन्होंने मुकाबले में एक पिंड दे विच सुविधा गुरु जी तो प्रोवाइड की गई है उत्थे एक स्पैशल जो ब्लैसिंग है गुरु जी की वो दूसरे हॉस्पिटल में नहीं मिल सकती जिहड़े कि वो अज अवेलेबल है ते नर्सिंग कॉलेज खोलण दा भी नींह पत्थर रखा गया जिहदे विच कि उस एरिए तो लड़कियां वास्ते स्पैशल अपना पढ़ के अपने जीवन दे विच सैटल होण। इस करके जिहड़ा गुरु जी दा आश्रम बहुत वड्डे लैवल दे उपर बहुत परोपकारी काम कर रहा है वो जिन्नी उहदी प्रशंसा की जाए शलाघा की जाए वो एक तरह मैं कहना घट ही है। हुण महामारी चल रही है पूरे वर्ल्ड दे विच कोरोना की महामारी दे विच बड़े मंदिर तो 40,000 तो लैके 50,000 बंदिया का जेडे के माइग्रेंट लेबर से जिन्हों बेचारा खाना की प्रॉब्लम सी उन्होंने खाना 40,000 तो 50,000 बंद का खाना 8-8 घंटे संगत ने ड्यूटी करके 24 घंटे लगातार ड्यूटी के उपर हाजिर होके वह संगत ने सारा खाना उत्थे प्रोवाइड किया दिल्ली दे विच ते उस तो बिना अपने दुबरी पिंड दे विच भी उत्थों आस पास के पिंडा विच ट्रालियां विच रख के खाना लोगों नूं पानी खाना ते दवाइयां ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਕੰਨੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਛੋੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਪਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਹੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਇੰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਬੈਠੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ ਈਵਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਚੇਅਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੰਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਮੀਟਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਫੈਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹਾ ਆਪਾਂ ਰਗੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਵੀ ਪਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 9:30 ਤੇ 9:30 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੱਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵੱਟਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਕਲਿਆਣ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰ ਬੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੰਗਰ
भी पंगत विच होया करदा, पंगत विच चार लोगों जिहड़ी जिस तरह पंगत विच बैठे दूसरे सामने वाली रोज आ जाएंगे, इस कार चटाई विच दी है जिहड़ी कि अज भी असीं उदां ही लंगर दी प्रथा नूं रख्या होया, उहदे विच इक्को प्लेट दे विच चार लोग जो भी सामने बैठे ने, चाहे कोई मंत्री है चाहे दूसरे पासे संतरी है, वह दोनों चारा ने इक्को प्लेट दे विच देना, ताकि गुरु जी ने जिहड़ा मानवता दा मानस की जात सभे इक्को पहचान वो जिहड़ा उपदेश गुरुआं दा उहनूं अगे प्रैक्टिकल करके दिखाया कि हर एक इंसान वो जात नाल धर्म दे नाल नहीं बड़ा हो सकता, चाहे कोई मुस्लिम धर्म का, कोई सिख धर्म का, कोई ईसाई का, कोई हिंदू का, चारों इको बाई चांस इको प्लेट दे बैठे, चारों वास्ते इको प्लेट है, इको खाना आएगा, सब ने वो खाना, तो बहुत बड़ी एक जिहड़ी कि मानवता नूं बराबरता का दर्जा आप कह दिए बराबर रखने वास्ते बहुत बड़ा एक गुरु जी ने गुरु साहिबान की जिहड़ी थ्योरी सी उहनूं अगे बढ़ाया ते प्रैक्टिकल रूप दिता। तो उहदे बाद लंगर तो बाद फिर गुरु जी ने छुट्टी करनी शुरू करनी, तो क्योंकि उत्थे विच इन्ना आनंद आउंदा सीगा, जिहड़े लोग दूर दूर होके बैठना, किसी ने नीवी पा के बैठ जाना, गुरु जी ने इशारा करना आओ भी हुण संगत खत्म हुई, चलो छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, लोगों ने जाने उठण का मन नहीं करता सीगा, चाहते सी कि होर बैठे रहिए, सानू होर गुरु जी के नाल बैठने का मौका मिल जाए, तो गुरु जी ने हौली हौली शुरू करना छुट्टी करनी। उस तो बाद कुछ लोगों फिर गुरु जी ने अपनी चॉइस के नाल बिठा के रखते सी, जिन्हें बैठना कुछ जाना भी कहना नहीं तुम बैठ जाओ, तुम होर बैठो, फिर थोड़े लोग रहने, वो होर दो घंटे बाद गुरु जी ने फिर एक बार चलो भी कड़ाह प्रसाद बनाओ, चाह प्रसाद बना लो, है ना जी, कड़ा प्रसाद, फिर चाह प्रसाद, फिर उन्हें बच्चों फिर कुछ लोगों को छुट्टी करनी, फिर होर बच गई। तो यानी कि कई बार देखते जी गुरु जी जिम्मे होंगे नहीं सुनते नहीं है कि दो दो बजे चार चार बजे भी उत्थे गुरु जी को बैठने का मौका मिलया, तो उसके बाद चार बजे पांच बजे जाके चलो हूँ भी हूँ छुट्टी करो, हूँ ऐश करो, तो ऐश करन दा और कल्याण होने का गुरु जी के बहुत बैठ शब्द ने जो उन्होंने यूज किए ने, जिन्होंने भी कहता कल्याण हो गया, तो वह कल्याण वाकई कल्याण हो गया, ऐश करो तो वह भी ऐश कर रहे हैं गुरु जी का नाम लैके, हर तरह की जो भी कष्ट कोई, क्योंकि दुनियावी जीव असी सारे दुखों नाल भरिया संसार है, हर एक इंसान कोई ना कोई दुख लैके जाता है, फिर प्रैक्टिकल भी देखना चाहता है, जिन्ना चिर उन्होंने सैटिस्फैक्शन नहीं आती, जिन्ना चिर असी गुरु जी का कोई उन्होंने इशारा गुरु जी ने कुछ ना कहा हो लगता भी मैं कह संगत विच पर सानू तां गुरु जी ने बुलाया नहीं है, बहुत लोग आते इदा तो उन्हों की इच्छा है, उन्होंने पता है, क्योंकि गुरु जी को बहुत बड़ा स्कैनर से, उन्होंने जो तुम एंटर करते हो उतों ही उन्होंने स्कैन कर लेना भी कौन बंदा है, की ये अंदर चल रहा है, की सोच रहा है, की करना आया इतने लेटेस्ट ट्राई देखने वास्ते आया है, या बाकी सरेंडर करके आया है, सरेंडर करने तो बगैर गुरु जी का सिखा देश सरेंडर करने तो बगैर उत्थों कुछ नहीं मिल सकता, तुहानू अपनी अकल तो अपनी सियाणप सारी बाहर छड़ के जाके तू संगत विच बैठते हो तो तुहानू लगता सी वाकई असी आनंद लै रहे हैं संगत विच, असी अज कुछ लैके आए हैं लाहा कटिया संगत का, क्योंकि बिन भागी सतसंग ना लभे बिन संगत मैल भरीजे जियो, गुरबाणी का उपदेश है कि संगत भी अच्छा साडा कर्म किया हो, अच्छे कर्म ने बड़े भाग ने, ता ही अजे महापुरश दे असी संगत विच जा सकते हैं, क्योंकि अजे महापुरश ने जिहड़े वह सदियां बाद ही आउंदे ने लोगों का कल्याण करके फिर वापस जाते हैं, तो उस तो बाद भी वो अज भी मौजूद ने, अज भी वह जिहड़े इंपोसीबल असी कहिंदे सी ना इंपोसीबल चीज आ उस वेले, क्योंकि सामने गुरु जी बैठे सीगे, वह असी अपनी आई विटनेस बैठे हैं कि वह देख रहे थे कि वह इंपोसीबल नूं पॉसीबल, कोई भी चीज जिहड़ी सीगी वह उत्थे इंपोसीबल गुरु जी की संगत विच नहीं हुंदी सीगी, हमेशा ही जो उन्होंने कहता शब्द वह एक तरह की पत्थर के उपर लकीर है, उन्होंने कहा हुआ शब्द अटल है, तो उन्होंने होना है, दूजे दिन उसका रिजल्ट भी होता सीगा, जिवें कि संगत दे विच बहुत लोग हर एक अपनी बीमारी लैके आ गए, कैंसर दे कोई एक ने, मैं अनेकों की गल करदा मेरे सामने मेरी अखां दे विच मैं उन्हें देखते हुए बहुत लोग आए, मैं खुद भी लैके गया कुछ लोगों को, मेरे को भी आके भी गुरु जी ने मिला दो, तो मैं खुद लैके गया एक बहुत यानी कि कमांडेंट सीगा कोई इधरों आया पंजाब तो दिल्ली दे विच, किसी ने मेरे को रेफरेंस देके भेजा ऑफिस दे विच मेरे को आया, तो मैं उन्होंने लैके गया गुरु जी को, गुरु जी ने कहा भी कौन है ये, मैं कहा जी कमांडेंट है गुरु जी, इन्हों आशीर्वाद चाहिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे भी छोटे ने, सारा परिवार रो रहा, तुसी तो मैं गुरु जी कुछ भी कर सकते हो, तुसी तां जो कहो उही हो जाऊगा, तो एक इहदे उपर कृपा कर दो, तो गुरु जी ने बस जिदा किसी का कल्याण होना होंदा उहदा वो उस बंदे नूं कहिंदे अज लंगर छक जा भी, लंगर छक के जा, तो कल टेस्ट करवा के परसों रिपोर्ट करी,
देखते हैं कि जिदा हम कहता बंद जो नवा बंदा गया उन्होंने कहा मैंने तो कोई दवाई तो दिती नहीं है ना कोई होर चीज दिती है ना कोई जिदा कोई तबीयत कोई धागे धुगे करते हैं कई धर्मों के चलते हैं उदा की कोई चीज नहीं सिर्फ गुरु जी ने लंगर छका लंगर छक के जा कल चेकअप कराई जो उन्हें दूसरे दिन वो सारा जेडे के कैंसर बंद फैलिया हो दूसरे दिन चेकअप करावे बॉडी कैंसर ही नहीं है एक तरह जिम्मे चमत्कार जाओ मेरे कल जाओ बंद समझ नहीं सकता भी कभी टेस्ट मशीन तक निकल तो होगी ये किमें हो गया मैं तो कुछ दिता ही नहीं है तो दूसरे लोग चार खा रहे खाना मैं भी नाले खा के आया मैं तो कोई चीज एक्सट्रा नहीं मिली तो किमें हो गया पर वो चीज वो मालिक जानते हैं गुरु साहब खुद ही वो चीज उन्होंने कहा तीसरे दिन बंदा वो आके खड़ा होके बिल्कुल सडोल जिहड़ा के कहा सी तू हफ्ता दस दिन का ही प्रौहना है वो बंदे भी उत्थे देखे खड़े होके बोल रहे हैं मेरा तो एक पहले दिन कल्याण हो गया कई लोगों के बच्चे है भी असं एक साल तो आ रहे हैं जी डेढ़ साल तो दो साल तो आए जी गुरु जी ने तो सू किया नहीं वो ये गुरु जी जान उन्होंने असं किस श्रद्धा के नाल जा रहे हैं संगत में असं बहुत लोग आने हैं पर असं की सोच के आने संगत कि असं अपना दुख निवारण वास्ते आ रहे हैं कि असं संगत का आनंद लैन वास्ते आ रहे हैं क्या असं गुरु के दर्शन करने आ रहे हैं तो असं सोच के आ रहे हैं की सोच के असं बैठे हैं तो उही चीज सानू उत्थों प्राप्ति होंगी है अज भी संगत बहुत बड़े लैवल से हो रही है पर हर एक बंदे जो असी सोच रहे हैं जो जिदा कि समुद्र के बच्चों असं पानी लेके आईए कोई अपनी कौली से लेके जाऊगा कोई बाल्टी लैके आया कोई बलटोही कोई बड़ा बर्तन कि छोटा बर्तन जो असं लैके जा रहे हैं उन्ना ही पानी असं लैके आने उ गुरु जी की संगत है जो चीज असं उतों सोच कर जा रहे हैं सानू उही चीज प्राप्त होगी किसी को छोटा मोटा दुख आई ज्यादा लोगों की मैं संगत सुनता वो च यही दस दिन मेरा आह दुख से मैं आह दुख हो गया पर जे असी गुरु जी के उपर विश्वास रख के बिना कुछ मंगे मैंने मंगिया सब कुछ जानता वो जे असं ये सोच लीए कि गुरु तो सब कुछ जाने जाना अंतरजामी उस जो कहने गुरु जी अंतरजामी जानते हैं तो सानू दुखा पटारी खोलने की जरूरत की है यार उस खुश जानते हैं उन्होंने कहता कल्याण हो गया जरूर भी उन्होंने करना खाना हो गया तो लंगर प्रसाद उदकना चलो कल्याण हो गया जो प्रसाद इन्होंने खा लिया वो कल्याण उन्होंने दुख आना ही नहीं है दुख आते नहीं जीवन के जो असं गुरु के नाल जुड़ जाने तो इस करके क्योंकि असी इंसान है तो साड़ी अपनी एक कहिए बुद्धि है तो असं सोची जाने भी नहीं जी संत गुरु जी ने आशीर्वाद नहीं दिता संत गुरु जी ने कहा नहीं है कोई शब्द नहीं बोलिया तो साढ़ा तो कल्याण किमें होगा है ना जी पर जो असं संगत में आ जाने गुरु जी की दृष्टि सी उत्थे पहला गुरु जी अपने हथा पूरी संगत न कड़ा प्रसाद या मिठाई का जो भी प्रसाद से डिस्ट्रीब्यूट कराया करते तो बाद गुरु जी ने वह भी बंद करता से गुरु जी के कोल फुल लैके आते लोग बहुत बड़ा उन्होंने चरणों के ढेर लग जाता है फुलों का गुरु जी ने कहा फुलों की भी बेअदबी होती है बहुत बड़े फुल नहीं किसी ने फुलों लैके आओ है ना जी नमस्कार करने वास्ते भी गुरु जी ने मत्था टेकने वास्ते भी उन्होंने कहा नहीं तुम दूरों आने हो तो उत्तर अपना बैठ जाओ आके संगत नमस्कार थोड़ी सब की सवकार है क्योंकि उन्होंने अंतरजामी है जान रहे हैं तुम एंटर करते हो ईवन गेट तो तुम्हें पता उन्होंने पता लगना वो आ रहा बंदा कई बार बैठे कहते आ गया गेट के उपर आ गया क्या गुरु जी नहीं है नहीं वो देख ला जाके आ गया गेट के उपर तो लगता है वाकई असं तो बैठे हैं वो इंसान है पर भगवान का रूप है भगवान ने भेजे हुए दूत है वो उन्होंने उन्होंने पता भी वह बंदा एंटर कर गया आ रहा उ थोड़ी देर बाद बंदा उखड़ा होना सी पहुंचते उस करके जो असं गुरु जी के उपर विश्वास करते हैं अपने आप को सरेंडर कर देने तो अंतरजामी सब कुछ बिन बोलिया सब कुछ जानता सारा कुछ उन्होंने पता है असं की सोच के आ रहे हैं तो उ जरा अच्छी असी नीयत ना जाने फर्स्ट डे ही आते ही कल्याण कई बार जे बहुत सियाणपन बहुत सोच भी अं करते हैं जी असं देखा पहला टैसट करा जी तो वो टैसटा वाले उतों संगत में गुरु जी कह भी करते हैं उतो संगत में कुछ नहीं बनना थोड़ा तुम अपना लंगर पानी खाया खाओ पीओ तो खिसको तो कुछ नहीं मिलना क्योंकि जो तक ध्यान सेंडर नहीं किया सेंडर करे बगैर नहीं गति नहीं हो सकती तुम एक दिन जरूर गुरु चरणों के आना पेगा ता ही असं उतो कुछ खट के ले जा सकते हैं अदरवाइज जे तुम अपनी सियाणत है तो उतो कुछ नहीं मिलता डिवाइन प्रसाद गुरु जी कदे कदे प्रोड्यूस करते जिहड़ा कि मैनू भी चार पांच बार मौका मिलया मैं उन्होंने उस वेले मौजूद सीगा तो उन्होंने जिस तरह बैठे हैं गुरु जी अपने आसन के उपर बैठे हैं या किसी होर जगह भी संगत हुई है किसी के घर भी संगत हुई है तो उत्थे भी गुरु जी ने बैठे हुए अपने हाथ रखे उपर कि हाथ के कोई बहुत बड़ा लड्डू कोई मिश्री का प्रसाद या होर इस तरह का सेब का मुरबा एक दिन गुरु जी का
बुलाया हत्थ दे विच मुरब्बा निकलिया एडा वड्डा उस तरह का अलग अलग तरह के प्रसाद यानी जदों गुरु जी ने डिस्ट्रीब्यूट करना हैरान हो गई संगत सुन के भी उत्थे 500 बंदा बैठा चाहे 1000 बंदा बैठा वो संगत नूं सारिआं नूं ही बरताउणा जिहड़ा गुरु जी दे हत्थ विच लड्डू आया होया हर कि ने प्रसाद लेना तो उस तो बाद प्रसाद फिर हथ दे विच लड्डू वह नहीं खत्म हो रहा है कदे अदरवाइज असी दुनियावी लड्डू अपने होर प्रसाद में खत विच लैके 1000 लोगों वंट दीए वह नहीं हो सकता भी वह 1000 लोगों में असी एक मुठ्ठी भर प्रसाद में वंडीए पर वो गुरु कृपा दे विच एडी वड्डी कृपा हो रही सी गुरु की उन्होंने सब नूं देना पर जदों असीं उह अपने रसना दे उपर जीव दे उपर रखना तो वह लगता सी भी कोई चीज की चीज है खुशबुआं फैल जाणियां उहदा टेस्ट है जिहड़ा भी इहने लिया वह प्रसाद खाधा गुरु जी तो लैके उही दस सकदा उहनूं उह टेस्ट नहीं तुसीं उह दस सकदे क्योंकि तुसीं महसूस ही कर सकदे हो उहदा तुलना नहीं हो सकती किसी चीज़ नाल भी आपां मिठे मिठाई दे नाल जां किसी होर चीज़ नाल तुलना कर पाईए क्योंकि वह एक सचखंड तो आया हुआ प्रसाद है जेडे के सुभागे बड़भागे लोग मैं कहना जिन्हों मौका मिले गुरु जी बैठने का तो उन्होंने प्रसाद का आनंद माणिया वह प्रसाद बहुत यानी कि शक्ति कह लिए कल्याण ही कल्याण सी जो कुछ भी तुम सोचते हो जो कुछ कर रहे हो वह ऑटोमैटिक रस्ते खुल जाने ने प्रसाद गुरु जी ने कदे कदे प्रोड्यूस करना उस तो बाद देखा तो गुरु जी के बहुत ही जिदा ना 5-10 मिनट वास्ते गुरु जी बिल्कुल ही ऐ हो जाते जिम्मे कि उन्होंने बॉडी में कोई सत निकलिया हो पूरा उन्होंने शरीर 10 मिनट दबाने तो बाद है ना फिर उस तो बाद गुरु जी ने एक लगना नॉर्मल हुए ने अदरवाइज वो बिल्कुल ऐ लगते थे अपने शरीर का कोई सत कट के उन्होंने कुछ देता हो पर प्रसाद वाकई ही जो डिवाइन प्रसाद है वो बहुत वड्डी एक शक्ति जी उन्होंने की उस तो बगैर जो गुरु जी बैठे संगत में इस दिन उन्होंने कहना अज देखो सारे गुरु जी का स्वरूप जिन्हें लगे होने से अमृत बह रहा है तो सारी संगत उठ उठ के देखती जिहड़ी गुरु जी का स्वरूप के उपर शीशा लग्या शीशे के उपरों जिस तरह मीह का बारिश का पानी हो पानी वो उपरों निकलना अमृत बहना शुरू हो जाना तो होर सारे दूसरे स्वरूप हथ ला ला के लोगों ने देखना जो टच करना है हथ लगाना है तो सुगंधी खुशबू उ जी सचखंड की एक खुशबू गुरु जी की बॉडी निकलती सी वह खुशबू वह सारे अमृत विचों निकलती है अज भी वह अमृत आंदा है पर जे असी जो गुरु जी के नाल जुड़ते हैं सरेंडर करते हैं संगत होंगी है अज भी असी संगत में कई बार इतने देखते हैं तो लगातार वह अमृत उस तरह ही चलता है एक पूरी जिदा कोई किसी ने खुलिया हो पानी आ रहा हो उस तरह का अमृत का एक बहना लगातार वो चलता है तो अज भी है पहला तो क्योंकि गुरु जी खुद फिजिकल रूप के अपने चेयर से विराजमान होंगे सके उन्होंने सामने बैठ के देखते सके पर अज वो क्योंकि फिजिकल रूप से नहीं आते इस करके अज भी असं देखते हैं उही चीज संगत दे विच अवेलेबल है जो असी संगत करते हैं जो गुरु जी का स्वरूप लैके असी गुरु जी विराजमान करते हैं तो उतों एंट्री तो ही खुशबू आनिया शुरू हो जाए उतो गुरु जी ने कहा मैं पहुंच गया घर में अपने संगत हो रही है घर के एंट्री के उपर ही उन्होंने वो खुशबू जी उन्होंने बॉडी में असी खुद उन्होंने नाल रह के कोल बैठ के देखा वो खुशबू अज भी साढ़े कोल ने एक बहुत वड्डी एक एग्जाम्पल आपने असं कही ना गुरु जी फिजिकली साढ़े कोल नहीं है पर वो साढ़े सानू दसते हैं वो भी मैं थोड़े नाल बैठा मैं अपनी चेयर के उपर विराजमान हो गया जो भी उन्होंने बैठना तो उस वेले आके खुशबू फैल जाए अज भी वो खुशबू ए बुले की तरह जो एक बहुत हवा के बुले आते हैं उदा दुशबू अज भी फैलदिया ने पर गल हैगी सिर्फ असी अपनी श्रद्धा न असी अपनी आस्था असी अपने आप में गुरु जी के सरेंडर करते हैं तो अज भी सानू वो खुशियां प्राप्त ने वो सब कुछ अवेलेबल है जे असी गुरु जी के उपर विश्वास से श्रद्धा के नाल अज उन्होंने को जाने क्योंकि जो असी कहने गुरु जी के अंतरजामी है तो अंतरजामी का मतलब है जानते हैं सब कुछ हो यह नहीं है कि सानू दसिए जाके असी बहुत लोगों का यही रहता साढ़े नाल गल नहीं हुई सी असी साडा किवें कल्याण हो जूगा जी जिन्ना भी जाने के संसार असं देखते हैं दुखों का भरया होया हर एक बंदा अपनी प्रॉब्लम लैके पहले दिन आया जाए बेशक तो उदू आके उन्हें दस अपनी डिमांड रख देनी गुरु जी मेरा आह कर दो जी गुरु जी मेरा आह कर दो जी गुरु जी मेरा आह कर दो दिना भी चीजें पर गुरु जी ने एक तो उनका सुभा इन्ना शांत कि उन्होंने कदे भी गुस्से में नहीं आना किसी का भी बस तेन कहता ना हूँ कल्याण हो गया तो कल्याण हो गया तेरा चल ऐश कर हूँ तू
ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ 10 ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੇ ਝਟਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਝਟਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਝਟਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇਚਰ ਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਨ ਚ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗੇ ਨਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਛਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ 150-200 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਚ ਨੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚ ਬੈਠਣਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਹੈਂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਹੈਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਥਲ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੂਰਥਲ ਖੀਰ ਦਾ ਠੰਡੀ ਖੀਰ ਖਾਓ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਲੋਕ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਵੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਉਹਦੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾ ਹਲੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੀ ਮੈਂ ਦੀ ਅੱਗਾ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਵਰਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਵਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸੰਗਤ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਏ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ
हुण जिहड़ी संगत जुड़ रही है नवीं संगत है बहुत पूरी दुनिया के कोने कोने विच संगत जुड़ रही है गुरु जी दे नाल उह एक आनंद जिहड़ा उहदे विचों संगत विचों मिल रहा उहनां नूं रस मिल रहा उह गुरु कृपा ही है उह अमृत है जिहड़ा बरस रहा हर जगह है पर असीं मानण वाले होना चाहिए साडी जिहड़ी हैगी ना इक वी बुद्धि सानूं मिल जाए कि असीं संगत दे विच जदों आनंद आउण लग गया एक रोटी की खाने की भुख दी तरह ही है कि साडी जिहड़ी हैगी जरूरत है खाने की साडा पेट दी वास्ते असीं खाना खाने सानूं भुख लगती है इदां ही संगत दी एक भुख है रूह की खुराक है ते रूह भी सानूं फिर सानूं भुख लगन लगती है बार बार सानूं लगता है कि संगत विच जाणा हुण महामारी करके जिहड़ा बंद हो रहा है मंदिर बंद ने बहुत लोगों के आएगी क्रोसटी कई सिफारिशा करते हैं कह दो जी असं मत्था टेक लीए हर एक कह दिया भाई अपने क्योंकि आप ही नहीं डिसिपलिन रहेंगे तो फिर कमें चलूगा कम पर गुरु कृपा के नाल देखो तुम अपनी कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई कि वर्ल्ड के हर कोने के उपर बैठा लाइव संगत गुरु जी दी आनंद माण सकता है संगत में शामिल हो सकता है ये सारा कुछ गुरु कृपा के नाल ही चल रहा है तो जो असी गुरु के नाल जुड़ते हैं तो वो इन्ना वड्डा एक आनंद की प्राप्ति होंगी है जिवें कहना जी माखियों माझा दुध तो वो जो मिठाइया के नालों भी ज्यादा मिठास थोड़ा वो संगत में आने लग जाती है जो रस असं मानने लग जाए संगत का तो वो गुरबाणी के इन्नी वड्डी शक्ति है इन्नी वड्डा यानी कि असं कह लिए मिठास है पर जिन्हों आनंद आने लगता है वह भी उन्होंने आता है नहीं तो दूसरे जिदे नहीं जुड़ जुड़ पाता जो तक उदों तक वह आनंद नहीं मान सकता गुरु जी का स्वरूप छोटी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ गुरु जी अपने डिस्ट्रीब्यूट कराया करते कई बार लोगों ने आना है गुरु जी मैनू दे दो गुरु जी नहीं तेनों नहीं मिलेगी तू तो कच्चा भगत है तेरे तो हाले रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तेनों नहीं मिलनी है ये कड़ी फोटोग्राफ है वो कई नहीं देंदे सीगे किसे वो कहते तेरा मौका आऊ हले तू अटेंड कर संगत फिर तेनों पता लगेगा फिर तेरा रजिस्टर होगा फिर तेनों ये हकदार होगा तेरे को क्योंकि वो कहते भी शक्ति है जी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ है ये भी बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम किसी मुसीबत बंदा फस गया ना तो वो पासपोर्ट वाली जी साइज की फोटोग्राफ गुरु जी का स्वरूप है वो ही उतो ही कल्याण हो जाएगा उत्थे लाइव एग्जाम्पल मेरे सामने मैंने उत्थे संगत में देखिया तो एक चौधरी चरण सिंह जेडे प्राइम मिनिस्टर से उन्हों का कजन सीगा तो इंडियन फॉरन सर्विस के ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸਵੀਅਰ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ एक आइडिया जिदा आइडिया आया तो गुरु जी का स्वरूप छोटा उन्हें जेब में सीगा कहिंदा मैं स्वरूप कढ़िया गुरु जी का अपने कन्न के उपर रख के हथ रख लिया इदा यानी तुसी हैरान होए बंदा जिवें कोई हुंदा ना भी कोई क्या चीज है बस एक बार ऐ रखण की जरूरत जे कहिंदा ना आदी नाल उदों ही गैब पेन सारे गैब फिर आके उन्होंने दसिया गुरु जी ने दसना किसी आदर जो कोई दसदा सी इदा दिया के ना मैंने इदा होया गुरु जी ने पुछण लग गुरु जी ने पहला उदो क्यों भी तेरा तो फिर कन्न दे विच पेन सी वह किवें फिर ठीक होगी कई लोग बाहरों आना है अमरीका तो आ गया कोई दूसरा कनेडा तो आ गया उन्होंने क्रॉसी होंगी सी भी इदा का असं चमत्कार देखा जी उ गुरु जी ने पहला दसना उन्होंने भी वह तेरे नाल किवें हो गया उत्थे किवें पहुंच गए पहले ही गुरु जी ने कहना क्योंकि भी तेरा तो कारण दर्द हो गया कि ठीक हो गया है ना तो बंदा दसन की इन्नी क्रॉसी होंगी सी मैं गुरु जी देखो थोड़ा स्वरूप सीगा मेरे तो बच गया मेरे तो कारण के बहुत ज्यादा सी ना तो कोई मेडिसिन से ना कुछ और उस वे अवेलेबल भी तुम सहारा बन गए नहीं तो जो भी अपना सीधा लिंक डायरेक्ट लिंक गुरु जी हों तो अज नहीं पहला नहीं अज भी है अज बस सिर्फ आपको चाहिए सिर्फ आस्था आस्था के नाल असीं जुड़दे हां तो गुरु दीआं बरकतां उहदे रहमतां इन्नियां ने बरसदियां ने अमृत दी तरह बरस रहीआं ने अज वी ने तुहाडे दे हर इक दे उपर ने पर जदों असीं संगत विच जांदे हां बैठदे हां सुणदे हां उत्थे सानूं सिर्फ इक ही देखणा पऊ असीं की मंगण जा रहे हां संगत विच की करन जा रहे हां असीं की उत्थे कोई ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਮ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
दुख में सिमरन सब करें, सुख में करें ना कोई, जो सुख में सिमरन करें तो दुख कहां से हो। तो जो तो असी सुख दे विच भी ते दुख दे विच भी, तो दुख दे नाल सुख धुप दे नाल छां होनी है, इहदे विच अटल सच्चाइयां ने, ते दुख दे नाल सुख भी आऊगा, सुख दे नाल दुख भी आना है। पर जो असी गुरु दे लड़ लग जाने हैं, गुरु दे नाल जुड़ जाने हैं, तां दुख जिहड़ा उह बहुत सहजे हो जाता है। क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना होए, जेकर साहब मरो ना बिसरे तो सहला मरना होए। तो मरना सब ने पता है, पर जो साहब के नाल जुड़ जाने असं फिर सानू जो मरना भी वह बहुत सहला हो जाता, बहुत सहज हो जाता है। वह सू तकलीफ कहते हड्डा जिंद जो निकल दी हड्डा कड़का दें, वो कड़क नहीं देंगे। फिर जो तुम वह जुड़ गए तो तुम्हें बहुत ही बिल्कुल ऐ पता भी नहीं लगना बंदा कदों इतों चलिया गया। हवा दे हवा की तरह ज्योति में ज्योत समाया, पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाए, तो एक तरह पवन जी है वो पवन के रल जाती है। जो असं यहे महापुरुष की संगत में आने तो सारी संगत पूरे दुनिया के बहुत बड़े लैवल के उपर लोग जेडे गुरु जी फिजिकली नहीं मिले थे उन्होंने बल्कि लगता है कि असी गुरु जी के नाल बैठन के नाल ए लगता है कि गुरु जी साढ़े दोस्त है या क्लास वालों है या मित्र है या साढ़े पिंड तो है। पर जो दूसरे लोगों के जो नहीं मिले उन्होंने शब्दा देख के लगता भी असी तो अणजाने रह गए, असी कोले बैठ के भी उन्होंने वो चीज वो आनंद नहीं वो नहीं प्राप्त कर पाए। जेडे कि अज दूर बैठे लोग जिन्होंने गुरु जी नहीं मिले सिर्फ उन्होंने स्वरूप के नाल जुड़े हुए हैं, इन्नी श्रद्धा बहुत ज्यादा श्रद्धा जिथे भी जाके देखा उन्नी लोगों के श्रद्धा वो उदो असी सोचते नहीं थे कि गुरु जी ने फिजिकली इतने नहीं रहना है, पर उन्होंने जो शब्द है उन्होंने जी ब्लैसिंग है वह हमेशा ही उन्होंने अमृत बरसता रहूगा, वो चलता रहना हमेशा ही चल रहा है। जो भी संगत में आता है बड़े मंदिर के स्पैशल गुरु जी क्या करते थे कि जो कोई भी इंसान बड़े मंदिर के आ जाएगा ना गेट के अंदर आ गया जो भी वो इच्छा लेके आ रहा इच्छा पूर्ण हो, जो चाहता है वह मिलता है। उस वेले भी है अज भी जोड़ा जाता है तो दुनिया के हर एक कोने से बैठे गुरु की संगत को रिक्वेस्ट करूंगा कि जे तुम मौका मिलता जो भी तुम इंडिया आने तो जो भी मौका मिले तो जरूर बड़े मंदिर जाके दर्शन जरूर करो, क्योंकि बड़े मंदिर के एक स्पैशल ब्लैसिंग जो गुरु जी ने खुद उत्थे अपने आसन से बैठ के उत्थे भगती करके गुरु जी की समाधि भी उत्थे है, तो उन्होंने जो आशीर्वाद मिलता है उत्थे जाके राधा तुहानू जो बड़े मंदिर से असं इंटर करते हैं मेन गेट तो इंटर करते हैं तुहानू एक अलग तो वह लगता भी इत्थे कोई चार्जिंग हो रही है जिहड़ा कि इंसान फस्ट टाइम जा रहा या नहीं जिन्हों पता नहीं ना जो आप लैके जाने इंटर कराने गेट के लगता है कोई जिम्मे चुंबक के शक्ति होंगी तो खिच होंगी है ना, उदा ही वो गुरु की बाणी गुरु का आशीर्वाद गुरु की ब्लैसिंग वो खिच तुहानू लैके जाती है। तो तुम एक बार चले गए तो फिर बार बार उत्थे लगता भी मैं उत्थे जावा तो तुम एक खिच जी है वो मिलती है अज भी है पहले भी थी तो वह रहेगी क्योंकि गुरु कृपा बरसनी है उन्होंने जिमें कि शब्द ने गुरु जी के भी इतने खड़ में जगह नहीं मिलनी है कि वो बाकई अच्छे देखते हैं कि उत्थे खड़े होने वास्ते जगह नहीं जी कि असं मत्था टेकन का भी आप कोशिश करिए चुक के वह भी तुम अज वो नहीं मिलता क्योंकि वह जो तुम उतो निकलते हो अपनी इन्नी वड्डी लाइन होंगी है सिर्फ आपको हाथ जोड़ के बस अगे अगे निकलते जाओ तो किसी दूसरी लोगों को भी मौका देिए वो भी सारे दर्शन कर पा। तो वो जो गुरु जी के शब्द ने बिल्कुल सत ने जो कह करते थे कि इतने इन्ना ज्यादा इकट्ठ होगा तो तुम खड़े होना मुश्किल हो, बिल्कुल सही अज उन्होंने शब्द देखने मिलते हैं। वो गुरु कृपा ही है बरसदी है, हर तरह का इंपोसीबल शब्द अस कहने वो कदे भी गुरु जी की डिक्शनरी इंपोसीबल नहीं, ईवन द वर्ड इंपोसीबल सेज आई इंपोसीबल, कोई चीज जी असं कहने हो ही नहीं सकती जी तो उत्थे जाके पॉसिबल सी, चाहे वह मैडिकल किसी के रोग रोग नाल संबंधित सी चाहे कोई होर भी चीज असी देख लीए, वो अजिही चीज नहीं सी देखी जी उत्थे उन्होंने गुरु जी ने कहता तो हो गया, वो इंपोसीबल वाला तो शब्द उन्होंने को ही नहीं सीगा। तो इदा ही एक मैं तुम दसदा कि अमेरिका तो गरेवाल सी वो आए इधर संगत दे किसी दे घर गए उन्होंने वो ब्लॉकेज सी 80-90% सारी ब्लॉक सी उन्होंने उत्थे टेस्ट कराया अमेरिका में उन्होंने कहा भी तेरा बाईपास सर्जरी होनी है इस तो बगैर तेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। तो वो जो संगत जिन्होंने घर है उन्होंने कहा भी इतने गुरु जी हैं तो तुम नाल चलो एक बारी जो उन्होंने तो कोई
बाईपास की या कोई ऑपरेशन तो बगैर भी होता जो तुम लंगर छक के आ गए तो थोड़ा कल्याण हो जाना। वो कोई बंदा इदा कि मन जूगा तो स्पैशली जो अमेरिका च रहने लग गया वो साइंटिस्ट हिसाब बन जाते हैं बंद भी साइंस से सब कुछ है इतने होर तो कुछ हो नहीं सकता। चलो जी वो मन गया बंदा तो करेवाल उन्होंने संगत में आ गया। पहले दिन जो तो आया तो मैं आई विटनेस भी बैठा सामने थोड़े तो मैं वो आया गुरु जी ने हाँ भी करेवाल की हाल है तेरा तो हार्ट ब्लॉक हो बोले जो वो कहते मैं तो इन्हें नाल आ रहा जो कुछ साथी वो जिन्होंने संगत में आ रहे थे भी इन्होंने गुरु जी ने रास्ता मैं करेवाल जब मेरा हार्ट ब्लॉक है भी किसी ने दसा होगा क्योंकि वो अपनी बुद्धि आ रहा है ये तो हो नहीं सकता कि मैं तो मिले फस्ट टाइम मिल रहा है मैं ना जानता ना मैं कभी मिले हाँ ये मेरे ना भाई नेम बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं मेरा हार्ट की ब्लॉक है कहने आ जा फिर देख ला तेरे तो पहले दिन कल्याण कर देने तो उन्होंने वही चाह प्रसाद जो संगत में वरत रहा है चाह प्रसाद उन्होंने दिता चाह प्रसाद है ये लै ला भाई तू चाह प्रसाद लिया उस तो बाद जो संगत हुई संगत तो बाद दूसरा प्रसाद कड़ा प्रसाद भी गुरु जी ने अपने हाथ वढ़िया फिर जो लंगर का सी लंगर के बैठ के उन्होंने कहा लंगर खा के जाना तो कल चैकअप करा के फिर परसों रिपोर्ट करी। जदों उस वो लंगर खा के चला गया वो दूसरा ने भी कहा भी तुम्हें भी वही रोटी खाधी है चारा ने तो अपने खाधी है वो मैंने तो कोई कोई दवाई तो दी नहीं मेरा किमें हो जाऊगा कल्याण पर उन्होंने नहीं पता भी गुरु जी की ब्लैसिंग बरस रही है उन्होंने कह दृष्टि पै गई तो हूं ही आओ तो जो दूसरे दिन जाके चैकअप कराया एक नहीं दो तीन लैब तो उन्हें जाके चैकअप करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल वह हार्ट कोई ब्लॉकेज का निशान भी नहीं तो फिर उन्हें क्योंकि मन नहीं खड़ रहा से कहते नहीं हो सकता ये तो कहता इंडियन लोग ने मशीन भी इदा दी हो किमें हो सकता कि भी ये मेरा अमेरिका डॉक्टर कह रहे हैं भी हार्ट की ब्लॉकेज है ये कहते बिल्कुल क्लीयर है उन्होंने फिर भी विश्वास नहीं हुआ तो अमेरिका वापस चला गया वो उत्थे जाके फिर उन्हें टैस्ट करवाए अपने टैस्ट करवा के वो जब रिपोर्ट दिखावे डॉक्टर को जाके वो तो बिल्कुल ब्लॉकेज नहीं है तो बिल्कुल जिस बच्चे का हार्ट होता इदा का हार्ट हो गया तो वो डॉक्टर दिखावे जाके डॉक्टर अमेरिका वाले कहते इंपोसीबल तेरा बाईपास सर्जरी याद नहीं रिपोर्ट पी है तू ये किमें हो सकता भी की करके आया तू वो कहता मैं तो कुछ नहीं करके आया जी मैं तो गुरु जी की संगत करके आया इंडिया गया सीगा तो उन्होंने क्या लंगर छक के जाओ लंगर छकन तो बाद मैं देखा टेस्ट करवाए उत्थे कहता मैं तो फिर भी मान लिया से भी इंडियन मशीन इदा दी हो पर इतने आके अमेरिका भी चैक कराया तो सारे लॉकेज नहीं है तो उस तो बाद बंदा दस पंद्रह दिन बाद फिर वापस आया तो वो बिल्कुल लंबा लेटिया होया गुरु जी के चरणा से गुरु जी मैं एक तरह का नासक टाइप मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ऐदा भी कल्याण हो जाऊगा तो जो उन्हें दृष्टि पै गई ज शब्द उन्होंने कहता वो लंगर के इन्नी शक्ति सी लंगर जब अज भी लंगर वरत लिया गुरु जी का शब्द है भी ये भी शक्ति है एक कोई रोटी नहीं है आप घर रोटी खाने एक प्रसाद है क्योंकि जल है पानी है असं पहले पानी पी लिया पर उसे जल प्रसाद है वो चाय है चाहे कई लोग नहीं पीते चाय नहीं पीते कहते चाय नहीं पीनी ये तो प्रसाद है चाय प्रसाद है जब प्रसाद लै तो देख फिर तू जाके जो सोचता जो तेरी इच्छा पूरी हो जानी है अज वे मंदिर के जाने असं उत्थे भी उ गुरमर्यादा का पूरा पालन उदा ही चलता है तो प्रसाद चाय प्रसाद मिलेगा तो लंगर प्रसाद है जोड़ा भी उत्थे छक गया तो वह कल्याण होने ही है इंपोसीबल जोड़ा भी शब्द है उत्थे जाके पोसीबल है उ हर चीज का इलाज है पर सिर्फ एक ही है भी आस्था तो शरदा साड़ी वो विश्वास जोड़ा वो सू टा पेगा जो असी शरदा से विश्वास के नाल आस्था के नाल जाने हैं तो हर चीज का इलाज वो मिलता है वह आंसर मिलता तुम जो असं कहने क्वेश्चन भी कोई करते हैं दिमाग चो क्वेश्चन है भी आह किमें हो जाऊगा वह आंसर भी उत्थे मिल जाता कई बार सू लगता है आप जाने लंगर के अच्छ सू कुल्फी खाने का मन कर रहा है कई कई लोगों का आ गया भी अच्छ कुल्फी का हो जाए तो देखते हैं जाके तो लंगर तो बाद कुल्फिया का लंगर लगे पै वो कहते एक जगह दो लै पाई तू कुल्फी जो जो चीज़ अपने अपने दिमाग से सोचते हैं ना वो अंतर जामी सब कुछ जानते हैं हर चीज न जो असं कहने कुछ उन्होंने कहने तो पहला नोटेड है उस चीज़ तुम अवेलेबल अज भी हो रही है कोई चीज़ तुम सोच के देखो जाके तो जवाब मिलो कोई होर तरह किसी तरह की भी तुम अपने व्यापार न संबंधित कोई थोड़ी सर्विस के संबंधित कोई मेडिकल प्रॉब्लम संबंधित जो चीज़ भी तुम सोचोगे जाके कुछ मंगते हो जो मंगे ठाकर अपने से सोई सोई देव जो चीज़ तुम श्रद्धा न जाके प्रेयर करते हो प्रार्थना करते हो वो 100%
उधर रिजल्ट है मिलती है अज भी ताही लोगों का विश्वास है क्योंकि गुरु जी की संगत में देखा गया कि अंधविश्वास वाले लोग नहीं है जिदा कि बाकी धर्मों के आते हैं ना वो सिर्फ जाने के जिमें अनपढ़ लोग ज्यादा होंगे ने जो कि समझ नहीं पाते इतने सारे ही पढ़िया लिखा टोटल जो कहते ना 100% ही पढ़े लिखे जेडे कि सोचते हैं भी बार चीज़ को करने से पहले वह गुरु जी की संगत के साइंटिस्ट कह दिए वह उत्थे पहुँचते हैं डॉक्टर जेडे स्पैशलिस्ट ने खुद डॉक्टर कह करते गुरु जी जिते साड़ी डॉक्टरी खत्म होती है तो उत्तों शुरू होती है अगर दवाई साड़ी खत्म होगी दवा नहीं खत्म होती दवा जी है ब्लैसिंग है वह उतों चालू होती है जितों अस कहने में हूँ नहीं पेशेंट को इसे अपना वेंटिलेटर दे पाता हर जगह उन जो सा पहुँच सी असी मेडिसिन देती पर जो थोड़ी है दवा उतो बाद वेंटिलेटर तो उठ के आ जाती है इदा ही तुम दसदा एक एम्स के डॉक्टर आए वो मदर खुद वेंटिलेटर से सी वो कहता सारे ऑर्गन वो फेल हो गए पर क्योंकि मदर मदर ही है वो कहता मैं क्या भी लोगों को गुरु जी ब्लैसिंग देंगे ने तो मैं भी एक प्रेयर कर ला जाके वो डॉक्टर ने भी आके क्या गुरु जी मेरी मदर इदा करके वेंटिलेटर दे है तो तुम कोई कृपा करो ब्लैसिंग दो गुरु जी कहते तू तो डॉक्टर है इतना बड़ा सीनियर डॉक्टर है एम्स के तू तू अपना कर ला माँ का इलाज वो कह गुरु जी मेरी डॉक्टरी फेल हो चुकी है खत्म हो गई मैं जेडे मेरे को इलाज देते ढंग तरीके सारे ही कर ले सारे ऑर्गन इस वे कम नहीं कर रहे फेल हो चुके गुरु जी ने एक मिनट के नाल दी नाल जवाब दिता कहते ऐ कर आ जाता हुआ थोड़ा जा प्रसाद लेके जाई माता जी के मुँह लगा दी जो वो जान लगे डॉक्टर ने वो प्रसाद दिता प्रसाद लेके माता क्योंकि वेंटिलेटर वो कहना खुद डॉक्टर ने दसिया सारे ऑर्गन काम कर हट गए थे पर माँ माँ ही है तो उन्हें सोचा भी मेरी माँ भी जिन्हें चर हो बच सके जीवित रहे तो बहुत अच्छा तो उन्हें जाके वो जो प्रसाद सेगा माता के मुँह में लगाया तो तुम जाणो कि वह 10 दिन के माता डॉक्टर साहब के नाल आके गुरु जी की संगत में आके बैठ गई ये गुरु कृपा है तो जो कही ना भी जो नहीं हो सकता इम्पोसीबल डॉक्टर खुद कह रहे हैं सारे ऑर्गन डॉक्टर कह रहे हैं सारे ऑर्गन काम करन लग गए सारे सिस्टम माता का काम करन लग गया तो 10 दिन बाद संगत में आके लंगर प्रसाद करन लग गए ये गुरु कृपा है जो उन्होंने दृष्टि पै गई उन्होंने कहता तो हुण है वो फिर कोई किंतु परंतु या दो राय वाला काम नहीं है कि नहीं हो सकता क्योंकि जो भी असी गुरु को मंगीए गुरु को जाइए विश्वास कर लिए कि उन्होंने जो शब्द कहता वो पत्थर पर लकीर है तो उन्होंने कोई चेंज करने वाला नहीं वो होना है बस कई बार इदा कहता तो वह टाइम है टाइम आने ही होनी है कोई चीज़ तो सानू हों जल्दी अज ही हो जाए कल हो जाए कोई चीज़ तो नहीं वो तो वेट करो वेट एंड वॉच जो अपना टाइम आ गया एकदम दरवाजा खुलना थानू उन्होंने वो क्या शब्द थोड़े सामने होगा भी हाँ बाकी हो गया तो उदा के उन्होंने आशीर्वाद जो देते हुए ने कहे हुए ने अजी अज देखते हैं गुरु जी ने कहा आ हो रहा देखो आ हो गया आ हो गया आदा हो गया वह शब्द उन्होंने एक एक सच्चाई जानी कि हर एक शब्द एक ब्लैसिंग है उन्होंने अज उदा ही वरत रही है जी संगत अभी करते हैं बहुत ही यानी कि सुभाग है बहुत ही व्डे भागा वाले लोग हैं जो उन्होंने भी संगत बैठन का सुन का संगत कर मौका मिलता है इतों बड़ा कोई होर कल्याण नहीं हो सकता क्योंकि संगत का एक बहुत बड़ा महत्व है जोड़ा कि होर किसी चीज़ पिछ नहीं हो सकता जो कोई 100 साल या 1000 साल भी किसी की जीवन हो जे एक घंटे का संगत 1000 लोगों की 5000 लोगों की या 1 लाख लोगों की संगत की हो जो महत्व है वह 1000 साल की भगती नो ज्यादा हो जाता है क्योंकि इन्ने लोगों की वाइब्रेशन के नाल इन्ने मल्टीपल वो अफेक्ट होंगे जोड़ा कि 1000 साल की एज में भी नहीं हो सकता वह उस संगत पिछों पाया जाता है तो उस संगत का बहुत बड़ा महत्व है संगत के पंगत का जो गुरु साहबान का दिता हुआ कंसैप्ट है वह प्रैक्टिकली गुरु जी ने अप्लाई किया तो अज भी वह उदा ही बड़े मंदिर गुरु मर्यादा के नाल पूरी संगत को पूरी पंगत के बैठ के ही लंगर छकाया जाता है जोड़ा कि लंगर छक जाता है तो ऑटोमैटिक वह कल्याण होता है तो बहुत बहुत धन्यवाद सारी संगत का जय गुरु जी। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट आशा मेहरा आंटी। आशा आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी इतने दयावान हैं, इतना करुणा वाले हैं कि मेरे कई दिन से मन में इच्छा हो रही थी कि गुरु जी के गुणगान नहीं किया बहुत दिन से। गुरु जी से
पर्सन टू पर्सन मिले नहीं, चाहे रोज एहसास देते हैं मिलने का, लेकिन मन में इच्छा थी और आज ही कुणाल अंकल ने फोन कर दिया कि आंटी आप सत्संग करो। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पिता, मेरे माता, मेरे मालिक, मेरे सब कुछ गुरुजी हैं। पूरी दुनिया में और कोई नहीं है जैसा कि गुरुजी। गुरुजी हर बात मन की जान लेते हैं और आपकी रिक्वेस्ट किए बिना, आपसे मांगे बिना आपका सब काम कर देते हैं, जो आपको जरूर, जो आपके लिए अच्छा हो। मैं 1995 में गुरुजी के साथ जुड़ी थी। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर थी और मेरी पोस्टिंग दिल्ली में थी, तो मैं उस समय बहुत बीमार थी, इसकी वजह से मैं गुरुजी के पास गई थी। गुरुजी ने मेरे को जीवन दान दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि गुरुजी दिल्ली में रहेंगे कि वापस जलंधर चले जाएंगे। तब गुरुजी ग्रेटर कैलाश बेसमेंट में होते थे, तो मेरे को कुछ टाइम तो लगा ठीक होने में। जैसे जैसे ठीक होने लगी, मेरी ट्रांसफर पुणे हो गई। तो पुणे जाने के बाद मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरा सब कल्याण कर रहे हैं। मुझे लगा कि गुरुजी तो जलंधर चले गए हैं। तो मैं अपना काम करती रही, खुशी से काम करती रही, बहुत अच्छा होता रहा, बहुत यश मिलता रहा, लेकिन मैं अपने आप को ही क्रेडिट देती रही। मुझे नहीं उस समय एहसास था कि गुरुजी मेरा सब कुछ कर रहे हैं। करीब 2 साल बाद मेरी प्रमोशन हुई, मैं वापस फिर दिल्ली में आ गई और गुरुजी ने मेरे को फिर बुलवाया। किसी जो आंटी मेरे को जानती भी नहीं थी, उसने मुझे कहा, मेरे ऑफिस आई और मुझे कहा कि मेरे घर गुरुजी आने वाले हैं, आप आओगे? तो मैंने कहा हाँ मैं आऊंगी। मुझे यही लगा कि कोई संत महात्मा उनके घर आए हैं तो मुझे जाना चाहिए, लेकिन मैं जा नहीं पाई, किसी वजह से मैं जा नहीं पाई। और जब मैंने उसको माफी मांगी तो उसने कहा कि आंटी जब नेक्स्ट टाइम मैं गुरुजी के पास जाऊंगी आपको ले जाऊंगी। तो जैसे ही मैं गुरुजी के मंदिर गई एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी ने एकदम से कह दिया, वो आशा आंटी मेरा आंटी आ गई, और बड़े प्यार से मिले, बहुत कुछ पूछा, बहुत बातें बताई जो मैं भूल चुकी थी। तो तब से मुझे लगा कि गुरुजी ही मेरे पिता हैं, गुरुजी ही सब कुछ है। और तब से तकरीबन रोज उन दिनों होती थी, रोज ही हम जाते ऑफिस से आना और सीधा मंदिर चले जाना, गुरु ने चाय प्रसाद खिलाना और कई प्रसाद खिलाने, लंगर खिला के फिर घर भिजवाते थे रात को। ऐसी उन दिनों तो हमने कुछ खास मांगा नहीं, एक तो एहसास नहीं था कि भगवान थे, और एक कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ी। गुरु जी ने इतना सब ठीक कर रखा था कि कोई मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन 2001 में अंकल मेरे, वो भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सर्विस में है, वो रिटायर हो गए, तो वो दिल्ली में थे, मैं अभी बॉम्बे में थी। मेरी अभी सर्विस 2 साल और थी, जिसके बीच में मैंने 6 महीने बॉम्बे रहना था। तो मैं बॉम्बे में थी, तो अंकल मेरे कुछ बुखार होने लगा, कुछ बीमार होने लगा, तो छोटी मोटी बात होती रहती है, मैंने कोई खास ख्याल नहीं किया। तो जब वो बिल्कुल ज्यादा कुछ हो गया तो मैं दिल्ली आई, टेस्ट करवाए तो पता लगा कि अंकल की लिवर में प्रॉब्लम है। और मेरा बेटा भी उनके पास था दिल्ली में, तो टेस्ट, तो गुरुजी की संगत में डॉक्टर बजाज हैं, उन्होंने कोई डॉक्टर सामा का नंबर दिया, टेलीफोन नंबर दिया, अपॉइंटमेंट ले दी। और मैं रात को आई, संडे रात को मैं बॉम्बे से दिल्ली आ गई, और मंडे मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर सामा के पास। तो डॉक्टर सामा के पास जब हम गए, तो मुझे तो पता भी था कौन डॉक्टर सामा है, कितना अच्छा है, वेदर ही इज गुड। तो वो डॉक्टर सामा ने 10 मिनट लगा दिए आने में। जब तक हम उनके कमरे में थे, जाके देख के आए कि क्या क्या सर्टिफिकेट उनके पास है, बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर थे वो, और गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन थे, और उनका वो नर्सिंग होम था। जैसे डॉक्टर आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये तो बहुत सीरियस है और इनको एडमिट होना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, एडमिट कर दीजिए। तो हॉस्पिटल एडमिट, उन्होंने अपने नर्सिंग होम में एडमिट कर लिया। और मुझे थोड़ी एक एहसास हुआ कि चलो ठीक जगह पे आ गए हैं, आप तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन शाम तक डॉक्टर ने मेरे होश उड़ा दिए, कहा कि बहुत सीरियस है तो इनको गंगाराम हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। शाम तक फिर डॉक्टर ने कहा कि गंगाराम हॉस्पिटल में जगह नहीं है, रूम अवेलेबल नहीं है। तो मैं चुप हो गई, क्या कर सकती थी, वो कुछ चेयरमैन थे गंगाराम हॉस्पिटल के,
और ये तो रूम अवेलेबल नहीं है। अब गुरु जी की देखो रहमत, मेरे बॉस होते थे पुराने, जो मुझे कभी कोई टच में थे ही नहीं, काफी साल पहले मेरे बॉस होते थे और हमारा कोई आना जाना कोई टच में नहीं थे, उनका फोन आ गया, मिस्टर पद्मा करके उनका फोन आया और मुझे कहने लगे कि आशा तू कहाँ है। मैंने कहा मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। तो बोले तू हॉस्पिटल में क्या कर रही है। मैंने कहा ऐसे मेरे अंकल बहुत बीमार हैं और उनको अभी हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन हॉस्पिटल में रूम अवेलेबल नहीं है। तो वो बोले कि तू अपने ऑफिस में फोन कर, तेरे को इमीडिएटली रूम मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं बड़ा एम्बैरसिंग लगता है, ये जो डॉक्टर है ये तो उनके गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन है, और अगर चेयरमैन को रूम नहीं दिया तो मुझे कैसे अच्छा लगता प्रेशर करने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा ओके तेरे लिए एम्बैरसिंग होगा, मेरे लिए तो कोई एम्बैरसिंग नहीं है ना, मैं करता हूँ। मैं चुप रह गई। आधे घंटे में मुझे फोन आ गया कि गंगाराम हॉस्पिटल में रूम नंबर 212 अवेलेबल है, पेशेंट को ले आओ। अच्छा, फिर मुझे जो वहां के डॉक्टर साहब थे उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगा कि तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो। मैंने कहा हाँ जी। तो बोले कि तुम लोग कौन हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारे हस्बैंड कौन है। मैंने कहा वहां के चीफ कमिश्नर हैं। तो बोले कि ये कौन है जिसने मुझे अभी मैसेज दिया है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, उनके अंदर काम किया होगा। तो उनकी टेबल ग्लास के नीचे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कुछ, इनको बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल देना, एक्स्ट्रा इनको ट्रीटमेंट देना सब ठीक से। तो वो बड़ा रिगार्ड करने लगे और दवाई वगैरह ठीक से देने लगे। तो शाम को कहने लगे कि रूम तो मिल गया है गंगाराम हॉस्पिटल में, लेकिन कल संडे है तो आई थिंक हॉस्पिटल में इतना ख्याल नहीं रखेंगे, हम लोग अपने नर्सिंग होम में ही रखेंगे जहाँ पर्सनल केयर कर देंगे। ठीक है। तो जैसे उन्होंने शाम को डॉक्टर फिर और घबरा, गाड़ी है तो आप इनको MRI करवा लो, हमारे यहाँ MRI की सहूलियत नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, उन्होंने अपनी बड़ी गाड़ी ड्राइवर वाली भेजी तो हम MRI करवाने चले गए। बिफोर गोइंग टू अवर MRI उन्होंने कहा कि हम एक अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। अब जैसे उन्होंने टेक्नीशियन अल्ट्रासाउंड किया, उसके रंग बिल्कुल फक हो गया, उड़ गया रंग उसका। मैंने बोला क्या है। बोला नहीं मुझे नहीं पता, वही बताएंगे आपको। एनीवे हम MRI करने के लिए चले गए एक और जगह पे, सेंटर पे, MRI सेंटर। जैसे हम वहां पहुंचे तो वहां MRI करा लिया, तो मैसेज आ गया वहां से नर्सिंग होम से कि आप वापस यहाँ मत आना, आप गंगाराम हॉस्पिटल में जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, केस सीरियस है। चलो तो हम वहां से गंगाराम हॉस्पिटल चले गए। अब गंगाराम हॉस्पिटल जाते जाते 11 बज गए। गुरुजी की रहमत देखो, दिन में रूम ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया उन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल में, और जो डॉक्टर ने ट्रीट करना था उनको डॉक्टर सामा ने शाम को बुलवा लिया था कि अगर हम संडे डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे तो उन डॉक्टर से एक बार दिखवा देते हैं। तो उसी डॉक्टर ने गंगाराम हॉस्पिटल में ट्रीट किया। जैसे हम पहुंचे वो डॉक्टर वेट कर रहा है, रूम अवेलेबल है, उसने सारी अपनी इक्विपमेंट तैयार करके रखी हुई है कि जैसे ही पेशेंट आए आई स्टार्ट वर्किंग ऑन हिम। अब हम गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचे तो रस्ते में वो जो एब्सेस, लिवर एब्सेस थी, वो लीक करना शुरू हो गई और जो टॉक्सिन्स थे पूरी बॉडी में फैल गए। मुझे डॉक्टर ने कहा कि मिसेज मेरा यू नो केस इज वेरी सीरियस, पूरी बॉडी में पॉइजन फैल गई है, तो आप समझ सकते हो क्या है। मैंने कहा हाँ जी मैं समझ सकती हूँ, उसकी ज्यादा मैं क्या कहती। अब हम जब हॉस्पिटल गए तो एक तो डॉक्टर तैयार बैठे हैं पेशेंट के लिए, तो मेरे बेटे को मैंने बोला कि तुम पापा को स्ट्रेचर में ले जाओ रूम नंबर 212 में, मैं आती हूँ। मैं उनके रिसेप्शन विंडो पे गई और मैंने पेपर साइन करने थे। जैसे मैं वहां पहुंची मुझे तो एकदम मेरे पैर ठंडे हो गए कि मेरे पर्स में सिर्फ 10,000 रुपए थे जब मैं बॉम्बे से आई, और 5,000 मैंने MRI के लिए दे दिया है। अब मेरे पास 5,000 बचे हैं और ये लोग तो मेरे से डिपॉजिट मांगेंगे, कोई 50,000 का या 1,00,000 का या कुछ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, बड़ी पोजीशन ऑकवर्ड हो जाएगी। कैन यू बिलीव इट। जैसे उसने मुझे पेपर दिया विंडो में से साइन करने के लिए, उसको ये फोन आ गया कि इनसे पैसे नहीं लेना, सिर्फ इनके सिग्नेचर ले लो और एड्रेस ले लो और कुछ नहीं है, रश टू द रूम, डॉक्टर इज वेटिंग। मैं रूम में गई, डॉक्टर तैयार वेट कर रहे थे, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दी और आधा पौना घंटा वो हमारे साथ रहे। फिर उन्होंने कहा
कि ये हमने मशीन लगा दी है, इसे पॉइजन निकलते रहे बॉडी से और सिस्टर्स के हाथ में है। आपने नर्सिस के हाथ में नहीं देना केस, आपने अपने खुद ही ये करना है, तो पॉइजन निकालनी है ऐसे ऐसे। तो हमने कहा ठीक है, मेरा बेटा था और मैं थे, तो हमने रात भर बारी बारी, वो सोता था तो मैं जाके करती थी, मैं जा नींद आती थी, मैं उसको बोलती अब तू कर। तो रात के 2 बजा होगा तो मेरा बेटा कहने लगा मम्मी सुबह से हम कुछ खाया पिया नहीं था। बोला मम्मी मेरे बहुत भूख लगी है, क्यों है? तो मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे पर्स में मूंगफली का पैकेट पड़ा है, प्लेन में उन्होंने वो दिया था तो वो पड़ा है, वो तो खा ले, मेरे पास और कुछ है नहीं। हमें इतना भी ख्याल नहीं था, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें कैफेटेरिया होगा या कुछ चाय का कप मिलेगा, हम तो इतने घबराए हुए थे। मैंने उसको कहा तुम मेरा ये उस पर्स में से निकाल के मूंगफली थोड़ी सी खा ले। आप सोचो गुरुजी क्या क्या किस किस चीज का आपका ख्याल रखते हैं। जैसे बेटे ने कहा भूख लगी है, मैं दरवाजा खोल के थोड़ी देखने लगी बाहर, ऐसे परेशानी से रूम का दरवाजा खोला तो बाहर एक अंकल आ रहे थे जो मेरा सब कुछ जानते थे, जो मेरे अंकल को जानते थे मुझे भी जानते थे। उनके हाथ में, एक हाथ में तकिया उठाया हुआ था, दूसरे हाथ में टिफिन का डब्बा, और मुझे वो अपने कॉरिडोर से ही शोर करने लगे, क्या भाभी जी आपने बताया नहीं आपको अगर हम हॉस्पिटल में आए हुए हो, इतने परेशान हो, मैं खाना लेके आया हूँ आपके। तब उसमें रात के 1:30 बजे थे, वो टिफिन का डब्बा लेके आया, फटाफट बेटे ने खाया, मैंने भी खाना खाया और मैंने उसको कहा हम भी अभी अभी आए हैं, मुझे भी पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम है। तो गुरु जी ने उस समय हमारे रात का खाना भी देख लिया, खिला दिया और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी शुरू कर दी। हमारे आने से पहले डॉक्टर वेट कर रहे हैं और पैसे भी हमसे नहीं लिए। 2 दिन तक उन्होंने कोई बिल नहीं मुझे भेजा। 2 दिन के बाद थोड़े फर्क पड़ने लगा तो मुझे बिल बारी बारी आने लगे। खैर सीरियस बहुत थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बचेंगे कि नहीं मैं कुछ बता नहीं सकता। मैंने कहा गुरु जी हैं जो करेंगे करेंगे, तो उन्होंने गुरु जी ने हौसला दिए रखा। हम लोग कह रहे मेरे, जब तक मेरी बेटी बॉम्बे से, जवाई बॉम्बे से आ गए, जवाई मेरे डॉक्टर हैं वो आ गए, थोड़ा और हौसला हो गया। तो 8-10 दिन तो बहुत ही बहुत सीरियस निकले। रोज वो हॉस्पिटल अपने ऑपरेशन थिएटर में ले जाते थे, वो थोड़ा 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 पस निकालते थे। ये भी डर था कि पूरा ये ना फट ना जाए। ऐसे करके 10-15 दिन निकले, थोड़ा फर्क पड़ा तो फिर हम घर ले आए। अच्छा अब मैं बताऊं गुरु जी ने क्या किया। मेरे पास पैसे तो ज्यादा थे नहीं क्योंकि मैं तो बॉम्बे पोस्टिंग थी। अच्छा, मेरा सबको पता नहीं था वो सीरियस, इतने सीरियस हैं कि वो कुछ पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। तो मैं बड़ी घबराई हुई थी। जितने पैसे मेरे, पहले मैं बॉम्बे दिल्ली पोस्टिंग थी, मेरे बैंक में कुछ 2-2.5 लाख रुपए थे, वो मेरे अब खत्म होने लगे। फिर मैं घबराई थी कि अब क्या करूंगी, ये बिल मांगेंगे। मेरी मम्मी भी आ गई बॉम्बे से, उन्होंने कहा पैसे ले लो। मेरा भाई आ गया पुणे से, उसने कहा मेरे से पैसे ले लो। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं मेरे पास हैं, मैंने किसी से नहीं लिए। अब गुरुजी की रहमत देखो, लास्ट डे जब गुरुजी ने उनको घर भेजने का क्या किया तो मैं घर चली गई। मुझे घबराहट थी कि पैसे मांगेंगे मैं क्या बोलूंगी। तो मैंने बोला मेरा बेटा बोलेगा मम्मी आएगी तो मुझे 1 दिन का टाइम मिल जाएगा। लेकिन जैसे मेरे बेटे ने फोन किया, पापा जी को ला रहे मम्मी आप आ जाओ, तो मैंने कहा बेटा बिल को बताया उन्होंने? बोला हाँ मम्मी, जो हमारी दवाइयां बची थी, जो सिक्योरिटी था, उसमें सारे एडजस्ट हो गया, हमको कुछ सिर्फ 5-6 हजार देना। मेरे पास 10 हजार बचे थे, वो उसी में सारा पैसा पूरा हो गया। अब मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी ने ठीक तो किया, वो सबसे बड़ी रहमत थी, लेकिन साथ में हम लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं होने दी। उन्होंने डॉक्टर को पहले भेज दिया, हॉस्पिटल का पहले अरेंजमेंट कर दिया, नर्सिंग होम में पहले अरेंजमेंट कर दिया, सारा अरेंजमेंट, सो मच सो के खाने का भी अरेंजमेंट कर दिया। वो बंदा खाना लेके आ गया था। अब एक और बताऊं, अब जब हम नर्सिंग होम से आए हॉस्पिटल में तो हम तो MRI कराने गए थे और इतना सीरियस केस था कि हम वापस जा नहीं सके। हमारे पास तीसरा बंदा कोई नहीं था, एक बेटा और मैं, दोनों हम उनके अंकल के ट्रीटमेंट में लगे हुए थे। मेरे ऑफिस में लड़का होता था, मेरा पहले प्यून होता था, तो वो आ गया। मैंने कहा तू कैसे आया? बोला मेरे को ऐसे पता लगा कि आपके घर गया था और साहब के मम्मी ने बोला वो हॉस्पिटल में गए हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, रात को 1 बजे आया। मैंने कहा उदय तू चला जाओ नर्सिंग होम में,
वहां भी रूम नंबर 212 है, वहां हमारा कुछ सामान पड़ा होगा, वो सामान उठा के ले आ, क्योंकि नेक्स्ट डे वो रूम तो किसी और को अलॉट हो जाएगा और हमारा सामान पता नहीं कहाँ जाएगा, क्या होगा। तो वो लड़का रात को आके सामान लेके गया। तो ये सारा गुरुजी ने पूरा अरेंज कर दिया। और घर आए, घर आने के बाद फिर करीब मैंने 20 दिन महीना छुट्टी ली, बॉम्बे नहीं गई। उसके बाद मैं बॉम्बे गई, तो जब मैं बॉम्बे गई तो मेरी मम्मी मेरे साथ आ गई, वहां भी मेरा पूरा अरेंजमेंट हो गया। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि जब मैं दिल्ली में थी, मोस्टली मेरी दिल्ली में ही थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आशा आंटी मैं तेरे घर आ रहा हूँ। हम लोग इंडिया गेट रहते थे, तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। लेकिन मैं घबराई हुई थी कि मुझे अभी घर से घर में शिफ्ट किए करीब महीना दो महीने हुए थे, पूरा ढंग का फर्नीचर भी नहीं था, कुछ सामान भी नहीं था, गुरुजी आ रहे हैं मैं क्या करूंगी। तो गुरुजी ने कहा मैं आऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा क्या हुआ था, जब मैं उस घर में शिफ्ट हुआ इंडिया गेट वाले घर में, तो मुझे किसी ने बोला था कि ये घर तुम्हारे मास्टर ऑफ द हाउस के लिए ठीक नहीं है। मैं तो इन चीजों को मानती नहीं, तो मैंने ऐसे ही सहज स्वभाव से कह दिया अच्छा फिर क्या उपाय होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इस रूम में उनको नहीं सोना चाहिए। ठीक है नहीं सोएंगे उस कमरे में। हमने अपने वाला कमरा हमारी मदर इन लॉ को दे दिया और हम दूसरे अनअटैच बाथरूम वाले कमरे में चले गए। तो मुझे लगा बात टल गई, लेकिन गुरुजी ने देख लिया कि ये घर मेरा अंकल के लिए ठीक नहीं है। तो जैसे मैंने शिफ्ट किया, हमारे नेबर चेयरमैन थे कस्टम्स के, वो मेरे बैचमेट थे, तो वो मेरे घर आए प्रसाद लेके, कहने लगे कि ये मेरे गुरुजी का प्रसाद है। तो मैंने ले लिया, उनकी वाइफ पीछे पीछे आई कि बोले मिठाई का डब्बा तो पूरा ले आते क्या, दो टुकड़े ले आए हो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये प्रसाद है, मिठाई का डब्बा नहीं है। तो भी मैं प्रसाद ले लिया, लेकिन मैंने उसमें कुछ खास ज्यादा सोच विचार नहीं किया कि गुरुजी ने प्रसाद भेजा है। तो गुरुजी ने मुझे उस घर के अंदर पैर रखते ही अपना प्रसाद भेज दिया, अपनी प्रोटेक्शन दे दी कि तुम इस घर में जो भी है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। दूसरी बात, गुरुजी ने सोचा प्रसाद इज नॉट इनफ, इसलिए वो खुद आए, उन्होंने चरण रखे उस घर पे ताकि इनकी इनकी मेरा अंकल की जान बच जाए। मैं अब ये बहुत देर बाद मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी क्यों आए, मैंने तो गुरुजी को कहा भी नहीं था, रिक्वेस्ट भी नहीं की थी, लेकिन गुरुजी ने देख लिया था कि उनका आना जरूर बहुत जरूरी है, उस घर में आएंगे चरण डालेंगे, उस घर में जो भी नेगेटिविटी है अंकल के लिए उसको निकाल दे। वो सारा करके फिर जब अंकल आए, बीमार हुए, इतने सीरियस हो गए कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर उनको ठीक। तो गुरुजी की रहमतों का तो कोई अंत नहीं है। मैं डिटेल में इसलिए आपको इतनी डिटेल में बताया ये सब कि नॉट ओनली गुरुजी ने उनकी बीमारी, उनकी जान, उनको नया जीवन दिया है, लेकिन हम लोगों को एक एक कदम कदम पे उन्होंने हमारा ख्याल रखा। और वो अंतर्यामी थे, अंतर्यामी हैं, उन्होंने हर समय देख लिया कि अब ये क्या इनको मुश्किल आएगी, उसका प्रबंध उन्होंने पहले ही कर दिया। हम तो अभी कई सालों बाद मुझे इसका एहसास हुआ कि गुरुजी क्यों आए थे उस घर में, ओनली फॉर दैट कि उस घर में ब्लेस कर दूं कि जो इन पे तकलीफ आएगी वो यूं निकल जाए और ये ठीक ठाक हो जाए। गुरुजी ने तो बहुत बहुत रहमतें की हैं, उनका कोई गिनत नहीं है, उनका कोई हिसाब नहीं है, उनके लिए कोई शुक्राना इज नॉट इनफ, शुक्राना इज नॉट ए वेरी स्मॉल वर्ड जो गुरुजी करें। दिन दिन हर दिन जो कोई छोटी प्रॉब्लम क्या आती है, मन में कोई ख्याल आ जाता है, गुरुजी पूरा कर देते हैं। अब आपने गुरुजी के कई सुने होंगे सत्संग, बीमारी ठीक कर, जैसे हमें अपना बनाया, मेरे मुझे ठीक किया, इनको किया, मेरे बेटे का किया, कई किए हैं। लेकिन गुरुजी अपनी हमारी खुशियों का भी ख्याल रखते हैं, छोटे से मन में एक ख्वाहिश आई और वो पूरी कर देते हैं। मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल देती हूँ, थोड़े आप हंसोगे कि आंटी क्या बता रही है। हमारा 40th वेडिंग एनिवर्सरी थी 6 दिसंबर को 2009 में। तो मैंने अपने अंकल जी को कहा कि हमारी 40th वेडिंग एनिवर्सरी है, चलो एक गुरु जी का सत्संग कर लेते हैं। तो 50th किसने देखा है, 40th पे कर लेते हैं। तो उन्होंने, मेरे अंकल ने बताया कि मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड की डेथ महीना पहले ही हुई थी बॉम्बे में। तो मेरे अंकल बोलने लगे कि आशा ठीक नहीं रहेगा, गुरु जी को सत्संग करेंगे, खुशियां मनाएंगे, अभी महीना ही पहला हुआ तुम्हारी छोटी सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हुई है, तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मेरे को समझ आ गई, मैंने कहा ठीक बात है, चलो नहीं करते। बात आ गई होगी, कोई
तीसरे बंदे को पता नहीं कि मेरे मन में ये इच्छा थी और मैं सत्संग करना चाहती थी। बात खत्म हो गई, भूल भी गए। अब 6 दिसंबर की वेडिंग एनिवर्सरी थी और 5 दिसंबर शाम को मेरी डॉटर इन लॉ मुझे कहती है, मम्मी अपने ऑफिस से फोन करती है, मम्मी आज शाम को हमारे घर में 10-15 जने संगत के आएंगे, दे विल कम फॉर अ कप ऑफ टी। तो मैंने कहा वो तो लंगर खा के आएंगे तो उसके उसके मैं क्या खिलाऊंगी। तो बोली चाय लेंगे और परोंठी बना लेना। अच्छा ठीक है, मैंने बोला लंगर के बाद कौन परोंठी खाएगा, पर चलो ठीक है मैं बना दूंगी। तो मैंने अपनी अच्छी क्रॉकरी निकाली, घर ठीक ठाक किया। तो सर्दी के दिन दिसंबर का था, घर में रेवड़ी ड्राई फ्रूट ये वो तो था, ये चॉकलेट्स वॉकलेट जो बिस्किट जो भी थे काफी कुछ सामान था। मैंने कहा ठीक है परोंठी बना लेते हैं, वैसे भी लंगर के बाद क्या कोई खाएगा। अच्छा 10 बज गए, मेरी डॉटर इन लॉ भी ऑफिस से नहीं आई, उसका फोन आ गया, मम्मी जी आज कुछ एक्स्ट्रा काम है, ज्यादा काम है यहाँ, तो मैं नहीं आ पाऊंगी, तो आप मैनेज कर लोगे। मैंने बहुत घबरा गई, अकेली मैं क्या करूंगी, मैं सबको रिसीव करूंगी कि मैं यहाँ बनाऊंगी चाय प्रसाद बनाऊंगी। खैर गुरुजी मेरी सेवा लेना चाहते थे, मेरी सेवा लिखी हुई थी, फिर से ले जाएंगे। वो तो अपने पापा के घर चली गई। अब 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बजने लगे, कोई हमें मैसेज नहीं आया और मुझे नहीं पता किसने उन मेरी डॉटर लॉ को इन्फॉर्म किया कि हम आएंगे, ना हमारे पास कोई फोन नंबर है। वेट करते रहे, मेरे अंकल थोड़े ड्रेसिंग के मामले में काफी पर्टिकुलर हैं, अपना सर्दी था सूट वूट पहना हुआ था, वो कहने लगे कब तक ये पहने, 12 बज गए अब तो कोई नहीं आएगा। मैंने कहा कि आप अपना कुर्ता पजामा पहन लो, अब मैं क्या बता सकती हूँ, मुझे भी पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा मैं हम आएंगे। अच्छा 12 बज गए, 1 बज गए, हम सोए नहीं, यहाँ बैठे रहे। 1:30 बजे मेरे बेटे को फोन आता है, चेतन अपने घर का एड्रेस बता दे हम आ रहे हैं। तो 1:30 बजे इसने एड्रेस बताया और करीब 2 बजे पौने 2 बजे मैंने ये कहा था कि जैसे आप हमारे गेट पे पहुंचोगे गेट नंबर 1 पे तो हमें फोन कर देना क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, हम नीचे आ जाएंगे। तो उन्होंने फोन किया, हम नीचे उतरे, नीचे मैंने मेरा बेटा उतरा, फिर मैं भी चली गई नीचे। तो मैंने देखा गाड़ी एक नहीं कई गाड़ियां, पूरी गाड़ी जैसे कोई प्रोसेशन चला आ रहा है रात को 2 बजे। तो मैं नीचे उतरी तो देखा तो पहली गाड़ी में से एक आंटी निकली, एक हाथ में बड़ा सा मिठाई का डब्बा और दूसरे पीछे आंटी एक और निकली उसके हाथ में बड़ा सा गुलदस्ता। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा अपने बेटे से तूने कुछ कहा क्या किसी से, तो बोले नहीं मम्मी मैं क्यों कहूँ, क्या कहे क्या बात है। तो आंटी बोली आंटी क्या बात है आप क्यों क्या बात है। मैंने कहा नहीं आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी सुबह तक होनी थी और मैं सोचा कि इसने आपसे किसे बताया है। तो बोले नहीं हमको कुछ किसी ने बताया। तो मैंने फिर कहा ये आप क्या लाए हो फिर, बोले गुरुजी बोले ये जा रहे हो ये लेते जाओ, पहले लड्डुओं का डब्बा दिया साथ में ले जाओ और फिर कहा कि गुलदस्ता फूलों का भी ले जाओ। अब ऊपर आए मेरे तो आंखों में आंसू न टिके कि गुरुजी देखो गुरुजी को ख्याल है कि इसके वेडिंग एनिवर्सरी है, एक बाप है जो एक बेटी की ख्वाहिश पूरी करेगा जरूर। तो सारे ऊपर आए, 10 जने की जगह 30 जने आ गए, ऊपर आए फटाफट मैंने डाइनिंग चेयर्स लगाई, सोफा सब इधर उधर इकट्ठे करके कोई किसको कहीं बिठाया किसको यहीं बिठाया और चाय शुरू की। चाय मैं तो चाय बनाऊं कुछ करूं मेरे हाथ से काम पी जाए। आंटी एक आई बोली चलो आप उधर जाके देखो सबको मिलो मैं चाय बनाती हूँ। फिर उसने चाय बनाई परोंठियां बनाई और सबको खिलाया पिलाया, सब हम लोग इतना मस्ती मजे करते रहे। कोई चॉकलेट्स निकाली, कोई रेवड़ी निकाली, कोई गच्चक निकाली, ड्राई फ्रूट काजू बादाम ये वो सारा निकाल निकल के खाए सब ने, और सब ने सत्संग किए, इतने हंसी मजाक इतना खुश रहे सब, पूरी पार्टी हो गई, 30 जनों की पार्टी हो गई। रात को 3 बजे वो लोग जाने का नाम लिया, बोले अब हम जाएंगे। और जाने से पहले मैं आपको क्या बताऊं, वो आंटी ने ऐसे ऐसे गले मिली, ऐसे जफ्फी डाली, ऐसे प्यार किया, गुरुजी स्वयं प्यार कर रहे हैं, ऐसे गले मिलके ऐसे ब्लेस किया, आप खुश रहो आपकी जोड़ी सलामत रहे, क्या क्या उसने ब्लेसिंग दी, बिल्कुल गुरुजी स्वयं ब्लेस कर रहे थे। मैं सोचती थी इससे ज्यादा बढ़िया कोई
कोई वेडिंग एनिवर्सरी नहीं हो सकती, 40th हो कि 50th हो कि जो मर्जी हो, अब मेरी कोई इच्छा नहीं रही मुझे कुछ भी करने का, मेरे से और कोई अच्छी चीज नहीं जिसने मुझे आज गुरुजी ने खुश कर दिया है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि गुरुजी दुख में तो जरूर करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन आपकी छोटी सी ख्वाहिश होती है, आपने मन में बात तीसरे बंदे को नहीं बता, हमारे बेटे को भी नहीं याद कि मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी, और गुरुजी ने पूरा इंतजाम कर दिया कि तुम्हारे घर में आएंगे, हंसी खुशी मनाएंगे, सारी पता पार्टी होगी, 3 बजे घर से वो गए वापस। मुझे आई कांट फॉरगेट दैट डेट, मुझे इससे ज्यादा गुरुजी की रहमत कभी ख्याल में नहीं आई कि इतनी एक बात कही अंकल ने मना कर दिया, मैं चुप भी हो गई, लेकिन गुरुजी का मन में था कि इसके मन में एक इच्छा आई, इसको मैंने पूरी करनी है। और तब से मैं गुरुजी के एक एक बात के लिए कभी मांगती नहीं हूँ, मुझे पता है कि जो मुझे मेरे ठीक है वो गुरुजी अपने आप करेंगे, मेरे को कहने की इच्छा नहीं है, मेरे मन में आई तो गुरुजी पूरी करेंगे, जब टाइम ठीक होगा, जब सही समय होगा, गुरुजी प्लीज पूरा करेंगे। अब इच्छा नहीं रही किसी बात की, बस यही होता है कभी दर्शन दे दें, कभी बड़े मंदिर चले जाएं, अभी बड़े मंदिर पता नहीं कब खुलेंगे, तो लेकिन गुरुजी हमारे साथ हैं, हर पल एहसास भी होता है साथ हैं, लेकिन गुरुजी कृपा करें, गुरुजी की एक मैंने देखा कि गुरुजी की कृपा है, आप जितना आप उनको प्यार करोगे उससे 100 गुना आपको ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, और गुरुजी हर हर घर के हर बंदे को प्यार करते हैं। मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरी बेटी को भी गुरुजी दर्शन दें, गुरुजी अपने शरण में लें, गुरुजी ने बेटी को, जवाई को, सबको शरण में ले लिया, बेटे को शरण में ले लिया, बेटी तो बेटी की वेडिंग एनिवर्सरी थी, बेटी वर्किंग लेडी है, उसने कभी इच्छा भी नहीं की कि मैं कुछ सेलिब्रेट करूं, मुझे लगता काम है, ऑफिस है, छुट्टी कहाँ लेके, वेडिंग ठीक है, वेडिंग एनिवर्सरी हो गई, शाम को जाके एक केक मंगा लेंगे, छोटी बस इतनी बात। लेकिन उस दिन थर्सडे था, बॉम्बे में है वो, थर्सडे था, तो उसके मन में प्रेरणा आ गई, आज थर्सडे है, किसी आंटी के घर सत्संग है, तो आज छुट्टी ले लेते हैं, वो सत्संग पे जाएंगे, बाई चांस आज सत्संग है, तो वो सत्संग ले चली गई। और वो कहती है मम्मी, उसके हस्बैंड ने भी छुट्टी ले ली, वो डॉक्टर है हॉस्पिटल में, छुट्टी ले ली, दोनों चले गए। वो कहती है सत्संग में तो एक नमकीन और एक मीठा एक सब्जी होती है, कम से कम 20 डिशेज होंगी, पूरी पार्टी थी, इतना बढ़िया लेआउट, पूरा बुफे, ये वो। तो वो कहती है मेरी आंखें थोड़ी डबडबा गई, तो किसी ने पूछा आंटी क्या, तो बोली मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी इतना सोचते हैं, इतनी हमारी खुशी सोचते हैं, क्या हो गया, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैंने सोचा सत्संग है, गुरुजी का मैं जाऊंगी, गुरुजी इतनी आशीर्वाद देते हैं, इतनी डिशेस बना दी आंटी ने, इतनी कभी कोई नहीं इतना नहीं बनाता, तो पूरी पार्टी कर दी गुरुजी ने। तो गुरुजी तो आपके मन में कोई इच्छा है नहीं है, थोड़ी सी एक बीज रूप में भी है, तो गुरुजी पूरी कर देते हैं। गुरु जी की थी रहमत बरसती है, इतनी बरसती है कि आप जितनी बरसती है उतना आपका प्यार बढ़ता है, आप सोचते हर समय शब्द सुनूं, हर समय गुरु जी के दर्शन करूं, यही आप। और नई संगत तो पुराने संगत कोई है नहीं, ये भी हम लोग भी संगत इसलिए हैं कि हमने कोई पुराने गुरु जी से पुराना रिश्ता होगा, कोई पुराने कर्म किए होंगे जो गुरु जी हमें चोले में मिले, और गुरु जी, लेकिन फिर भी जब हम आते थे बड़े मंदिर में, हमें बिल्कुल एहसास नहीं था कि हम शिव जी को रूप देख रहे हैं, हम भगवान को मिल रहे हैं, हम यही सोचते थे महापुरुष हैं, पैर छूते थे, पैर दबाते थे बस, लेकिन यही प्यार था, एक प्यार था बस, इसके सिवा और कुछ नहीं था, कि भगवान हमारे मन में कभी था ही नहीं कि हम भगवान को देख सकते हैं, हम भगवान को स्पर्श कर सकते हैं, हम भगवान का माथा चूम सकते हैं, ऐसी हमारे कभी सोच नहीं थी। अब हम सोचते हैं शुक्राना गुरुजी आपने हमें इतना प्यार दिया, इतना प्यार देते हो, हमें आपने अपने चोले में होते हुए बुलाया अपने पास, और मुझे तो खास बुलाया गुरुजी ने, जो मेरी लड़की मुझे ऑफिस कहने आई कि मेरे घर गुरुजी आ रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि हमारे गुरुजी बुला रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी वापस आ गए हैं, वहाँ गेटर क्लास में नहीं है, मुझे लगा जलंधर चले गए हैं, अब दिल्ली नहीं आएंगे, मैं तो पता ही नहीं होना था, गुरुजी ने खुद बुलाया है। तो गुरुजी प्यार करते हैं तो अब यहाँ भी हो बुला लेते हैं, जहाँ भी हो आपका ख्याल करते हैं, आपको
हर समय उनकी छत्र छाया में रहते। गुरु जी की रहमत, गुरु जी के प्यार, इसका बेअंत है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन गुरु जी के पास आप सरेंडर कर दो, गुरु जी के साथ प्यार रखो। अब ये बात है, मेरी उम्र काफी है, आई एम 80 ईयर नाउ, तो मुझे, लेकिन मुझे डेथ का बिल्कुल भय नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। इतना हो गया है कि हर काम जो करो, ये होता है कि गुरु जी प्यार करते हैं, गुरु जी देखते हैं, ऐसा काम न करें जो गुरु जी को अच्छा न लगे। तो कोई छोटा छोटा काम भी ऐसा हो जिसमें आप ठीक नहीं समझते, उसी समय गुरु जी एहसास दिला देते हैं। हमें लगता है नहीं, गुरु जी को ये काम अच्छा नहीं लगेगा, हम नहीं करेंगे, तो रोक लेते हैं गुरु जी इस तरीके से। तो गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है, ऐसी कृपा बनी रहे, सब संगत में बनी रहे। मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया है, ज्यादा डिटेल में बोल दिया, इसलिए बताने के लिए कि एक बार आप गुरु जी के शरण में आ जाओ तो फिर आप देखो, आपका रहमत ही रहमत होगी, आपको प्यार ही प्यार मिलेगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे प्रभु। गुणगान करने के लिए भी शुक्राना, अपने प्यार देने का शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना मेरे मालिक। जय हो, जय हो मेरे गुरु जी। थैंक यू जी, थैंक यू संगत जी।